हेलो 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 बच्चा लोग, हाय हाय बच्चा लोग, हाय। क्या आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? क्या आप मेरी शक्ल देख सकते हैं? कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ज़रा देख लूँ मैं कैसा दिखाई पड़ रहा हूँ आप लोग को। कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत ही बढ़िया। क्लास शुरू होने से पहले आपके लिए एक बढ़िया अनाउंसमेंट कि आपके लिए एक और बढ़िया लास्ट मोमेंट रिवीजन सीरीज प्लान हो चुकी है और कल आपको वो सरप्राइज मिलने वाला है। फॉर ऑल द नीट 2021 एस्पिरेंट्स, अ लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन। एक तो आपकी उम्मीद सीरीज थी जहां हम लोग ने आपको कंटेंट डिलीवर किया, लेंथी लेक्चर्स लिए, है ना, पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट करने की कोशिश की गई और कर भी रहे हैं और हो भी रहा है। ठीक है, बायो और केमिस्ट्री में बात करें तो नियरली एंड ऑफ फिजिक्स में आपके दो यूनिट बचे हैं, ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। तो एक तो आपकी उम्मीद सीरीज चली जिससे आपको उम्मीद मिली, अब उम्मीद मिल गई, अपन स्ट्रांग हो गए, उम्मीद आ गई है, अब हौसला लाते हैं। ठीक है, अब उम्मीद आ गई है, अब हौसला लाते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग की दोस्तों हौसलों की उड़ान पता नहीं कहाँ से गया। सो हमको उम्मीद आ गई, अब हम लोग हौसला लाते हैं। तो एक और फ्री सीरीज is going to be launched tomorrow for all the NEET 2021 aspirants on the same YouTube channel competition wala. तो कल आपको एक और बहुत तगड़ी सरप्राइज मिलेगी जहां आपको मिलेगी NEET Task Force। तो अभी मैं इतनी ही बात रिवील कर सकता था, बाकी हम लोग कल बात करेंगे इसके बारे में। कल आपको मिलेगी एक सरप्राइज, एक लास्ट, आपको एक लास्ट एज देना प्रिपरेशन में कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स। एक आपको एक लास्ट एज देना, आपको लास्ट इंपॉर्टेंट बात बताना, तो वो आपको मिलने वाली है। मैंने कहा ना, उम्मीद हमें मिल चुकी है, अब हमें हौसले की जरूरत है। उम्मीद तो मिल गई कि सिलेक्शन हो सकता है, अब अच्छी रैंक से जाएंगे, अच्छे नंबर्स जाएंगे, तो हौसले की जरूरत है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है वो कल बात करेंगे। सो उसके लिए आएगी कल आपके पास स्पेशल नीट टास्क फोर्स। सो वी आर कमिंग विथ नीट टास्क फोर्स। उम्मीद बैच की टीम ने, टीम उम्मीद ने अपना काम काफी अच्छा किया मेरे को छोड़ के, बाकी सब ने काफ़ी अच्छा काम, काफ़ी अच्छी डिलीवरी की। मेरा सिलेबस ही थोड़ा लैक किया हुआ है ड्यू टू डिफरेंट मैनेजमेंट दैट आई हैव टू हैंडल इन PW, बट उम्मीद सीरीज ने काफ़ी अच्छे से सिलेबस कवर कर दिया है। आप उससे अपना कंप्लीट सिलेबस कवर कर सकते हैं नीट 2021 का, और इसके बाद हम लोग बात करेंगे कल। ठीक है, जो भी सरप्राइज है। सो दिस वॉज अ समथिंग दैट आई वॉन्ट टू टेल यू। कई बच्चे कह रहे हैं सर क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। येस, एवरीथिंग विल बी देयर। ठीक है, एवरीथिंग विल बी देयर। ठीक है, लाइफ टाइम क्या रहेगा? नहीं सर, टाइम बहुत कम रहेगा, बहुत ही कम ड्यूरेशन की सीरीज आएगी। ठीक है, बहुत लंबे लेक्चर्स नहीं होंगे, क्योंकि लंबे लेक्चर्स जो आपको लेने थे आप ऑलरेडी ले चुके हो, अब आपका एग्जाम बहुत पास में है, तो कोई लंबे लेक्चर्स नहीं होंगे उसके अंदर। क्रिस्प शॉर्ट लेक्चर होंगे, एकदम टू द पॉइंट बात होगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात हो सकती है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात हो सकती है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की। अब वो क्या है वो कल देखेंगे। तो मैंने कहा उम्मीद हमें मिल चुकी है, अब जरूरत है हौसले की, और आपको हौसला देने के लिए आएगी कल नीट टास्क फोर्स फ्रॉम PW, एंड दिस विल बी अगेन अ फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज ऑन आर यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिशन वाला। क्लियर है? रे ऑप्टिक्स कब आएगा? बहुत जल्द बेटा, अब ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स बहुत जल्द कंप्लीट होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट 6-7 डेज के अंदर आपका फिजिक्स का सिलेबस भी पूरा रैप अप कर दिया जाएगा, वेदर इट्स ऑप्टिक्स और इट्स मॉडर्न फिजिक्स। 6-7 डेज, 8 डेज लगेंगे, आपका कंप्लीट फिजिक्स भी रैप अप होगा, और साथ ही साथ आपकी एक और सीरीज आ जाएगी, क्वेश्चन सीरीज कह सकते हो, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीरीज, वो कल बात करेंगे। क्लियर? नीट स्प्रिंट भी चल रहा है, राइट? सो मल्टीपल सीरीज आर देयर फॉर यू। आप जिस तरह के कैटेगरी में फॉल करते हो उस कैटेगरी की सीरीज को अपने लिए चुनो। अगर नीट स्प्रिंट की बात करें तो वहाँ पे भी लास्ट मोमेंट रिवीजन चल रहा है, अच्छे क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, वहाँ पे भी एक अच्छी प्रैक्टिस कराई जा रही है। PW ऐप के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट एक उम्मीद सीरीज चली, और कर एक और हम सीरीज यूट्यूब पे लेके आ रहे हैं फॉर योर नीट 2021। क्लियर है? स्टार्ट किया जाए अर्जुना 2.0 में, तो कल बहुत बड़े सरप्राइजेस आने वाले हैं। कल आप बहुत ही बड़े सरप्राइज आपको मिलने वाले हैं। कल हम लोग इंडिया का क्लास 11th का बेस्ट बैच लॉन्च करने वाले हैं। टू बी ऑनेस्ट विथ यू, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, कल हम लोग पूरे इंडिया का क्लास 11th का बेस्ट बैच लॉन्च करने वाले हैं एट द लोएस्ट कॉस्ट। कल कुछ बड़ा, बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, और इसके बाद हमारे बोर्ड्स के बच्चों के लिए भी कुछ धमाका होगा। खैर, वहाँ पे, यहाँ पे वो बच्चे हैं नहीं, तो प्रमोशन करने से कोई मतलब नहीं है। तो शुरू किया जाए आज का लेक्चर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कैसा लगता है आप लोग को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? बहुत ही प्यारा चैप्टर लगता होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता होगा। कैसा लगता है आप लोग को EMW? आज EMW रैप अप करेंगे हम लोग क्लास में, छोटी क्लास होगी EMW की,
नहीं एक्चुअली छोटी क्लास होगी। कैसा लगता है आप लोग को EMW? अच्छा लगता है? अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। आप ही लेना अभी यार इस पे, अब इतना भी वो क्या बोलते हैं मांडवली मत करो, ठीक है? हो गया काफ़ी, हम लोग ने नेगोशिएशन किए आपस में और खींचते खींचते यहाँ तक हम लोग आ गए हैं, ठीक है? अभी सीरीज़ कंप्लीट करना भी बहुत हम लोग इम्पोर्टेंट है। कैसा लगता है आप लोग को ये इंक्रीज वॉइस? एक मिनट, कैसा लगता है आप लोग को ये? अच्छा लगता है कि बुरा लगता है कि बोरिंग लगता है कि इंटरेस्टिंग लगता है? हाँ बताओ, इजी लगता है, आसान लगता है? इजी है ना? BMW नहीं, EMW। BMW हमारे पास नहीं, तुम्हारे पास कहां से होगी, मारेंगे, ठीक है? चलें स्टार्ट करें। 45 मिनट, हाँ बेटा 45 मिनट की क्लास होगी, मैक्स टू मैक्स ही आज की, इससे ज़्यादा लंबी खींच भी नहीं सकते, आपको पता है बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट्स हैं। सो आई थिंक 45 मिनट्स में वी शुड रैप अप दिस सीरीज, है ना? आई फील सो। ठीक है स्टार्ट किया जाए। अच्छा लगता है। प्रीमियम लाइब्रेरी कब आएगी? बस बहुत जल्द अनाउंसमेंट होगा, काम चल रहा है उस पर जोर शोर से, प्रीमियम लाइब्रेरी पे बहुत जल्द उसका भी अनाउंसमेंट हो जाएगा। वी आर प्लानिंग, हो गई है प्लानिंग भी, हो गई है बन भी गई है, अपलोडिंग चल रही है। अगर मैं आपसे एकदम ऑनेस्टली बताऊं, अपलोडिंग चल रही है उसके ऊपर, बड़ी टीम लगी है अपलोडिंग के अंदर भी, तो वहाँ भी काम चल रहा है। करीब 40,000 क्वेश्चन हैं जिनके वीडियो सोल्यूशन हैं, फिर 60,000 क्वेश्चन हैं जिनके टेक्स्ट सोल्यूशन हैं, तो पूरी वो एक लाइब्रेरी बिल्ड हो रही है। आई थिंक कुछ बैचेस के अंदर आ भी गई है अगर मुझे सही याद आ रहा है तो। वैसे वो फ्री ऑफ कॉस्ट है लाइब्रेरी, ऐप के अंदर एक अपडेट आएगा, सब वो सब वहाँ से आएगा, ठीक है? तो चलो स्टार्ट किया जाए। चलो, बवाल लगता है, बोरिंग लगता है, इजी लगता है। बोरिंग क्यों लगता है? इतना एडवेंचरस है यार, एडवेंचर नहीं है इसके अंदर है? इतना एडवेंचरस टॉपिक, इतना मजा आता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, सब की बात होती है वो तो तुम लोग टाइम स्टैम्प, कई बच्चे कह रहे होंगे ना कि सर बात कर रहे हो, तो टाइम स्टैम्प में तुम लोग लिख ही देते हो, क्लास स्टार्ट एट 7:10, थैंक्स मी लेटर, तो वो कर देना, क्लास स्टार्ट एट 7:10, थैंक्स मी लेटर, वो कर देना तुम लोग, है ना? तो तुम लोग कर ही लेते हो। योर वॉइस इज क्रैकिंग, सही है, बढ़िया, नीट क्रैक होगा, वॉइस क्रैक करेगी, नीट क्रैक होगा, देखू मैं। सबकी बात होती है वो तो तुम लोग टाइम स्टैम्प, कई बच्चे कह रहे होंगे ना कि सर बात कर रहे हो, तो टाइम स्टैम्प में तुम लोग लिख ही देते हो, क्लास स्टार्ट एट 7:10। कितनी प्यारी आवाज आ रही है बेटा, क्या बात कर दी आपने बेटा, आपकी बात मुझको बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, इतनी प्यारी आवाज आ रही बेटा, है ना? चलो भाई स्टार्ट करते हैं कहानी, ठीक है? सिलेबस कब पूरा होगा बेटा? नेक्स्ट 7-8 डेज के अंदर सिलेबस अपना रैप अप कर देंगे हम लोग, जो भी बचा है, ठीक है? स्टार्ट किया जाए, ठीक है? तो अपनी लाइफ में एडवेंचर लेके आओ, ठीक है? अपनी लाइफ में एडवेंचर लेके आओ, अपनी लव स्टोरी अपने घर वालों को भी सुनाओ, ठीक है? जो यहाँ कॉमेंट सेक्शन में चलता रहता है ना, प्रिया मुझे तुम्हारा मोबाइल नंबर मिल सकता है, प्लीज़ ऐड मी ऑन टेलीग्राम, यार कोई मेरे से बात करो, है ना? तो अपनी लाइफ में एडवेंचर लाओ, अपनी ये लव स्टोरी अपने घर वालों को भी सुनाओ। चला जाए, स्टार्ट किया जाए, 1 2 3 लेट्स गो। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, बढ़िया एकदम। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू योर ब्यूटीफुल द चैनल कॉम्पिटिशन वाला, और अभी चल रही है हमारी उम्मीद सीरीज नीट क्रैश कोर्स का डे नंबर 37 है, आई थिंक या 38, और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक छोटा सा टॉपिक है पर यहाँ से सवाल आते हैं, इजी सवाल आते हैं, सारे के सारे कॉन्सेप्ट कवर करेंगे, सारे के सारे फॉर्मुले देखेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे, सभी को पता है क्या करना है, इस लेक्चर को देखना है, और लेक्चर के बाद आज कुछ चेंज है कहानी में, लेक्चर के बाद प्रैक्टिस शीट डाउनलोड करेंगे और साथ ही साथ आपको एक नोट्स मिलेंगे इसके, ठीक है? मैं लेक्चर के एंड में बताऊंगा कि नोट्स किस लिए होंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के सोर्सेज, यूजेस, वो काफी थ्योरेटिकल पार्ट है, उसको मैं पढ़ाऊं तो उसमें 1.5-2 घंटे लगे, उसका कोई मतलब नहीं है इस क्रैश कोर्स के अंदर या कहीं पे भी, उसको आप अपने आप रीड करोगे, है ना? वो टेक्स्ट होगा, तो आपको इसके साथ एक PDF भी मिलेगा, एक्स्ट्रा PDF, है ना? वरना क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के सोर्सेज, यूजेस, उसका एक PDF भी मिलेगा आपको आज। कहाँ मिलेगा? PW के ऐप में, बैचेस सेक्शन में, उम्मीद बैच पे क्लिक करने पे, बाय नाउ आता है, बिना डरे क्लिक करेंगे, 0 fee में, फ्री ऑफ कॉस्ट इनरोल हो जाएंगे, और वहां से बच्चे आप डाउनलोड कर सकते हैं इस लेक्चर की प्रैक्टिस शीट भी और नोट्स भी। स्टार्ट करें बच्चों आज का लेक्चर। जी हाँ, मेरा नाम है अलक पांडे और ये है आपका प्यारा चैनल कॉम्पिटिशन वाला। लेट्स स्टार्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सबसे पहला टॉपिक है हमारा मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट। मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट, आइए इसको समझते हैं। मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट बेटा, इसको ID से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी तक आप जो करंट पढ़ते थे बेटा, वो कंडक्शन करंट होता था। कौन सा? कंडक्शन करंट। वो किसकी वजह से होता था? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज।
dQ/dt. करेंट इज नॉट ओनली रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना. करेंट इज नॉट ओनली रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, करेंट इज समथिंग एल्स ऑल्सो. तो आज हम लोग वो समझेंगे, एक नए तरह का करेंट आया है, डिस्प्लेसमेंट करेंट. दिस इज नॉट द कंडक्शन करेंट, दिस इज नॉट करेंट dQ/dt, एक नए तरह का करेंट है, डिस्प्लेसमेंट करेंट. कहानी को समझते हैं बेटा. हमारे पास यहां पे कैपेसिटर की प्लेट है, ठीक. इस वायर का अपना कुछ रेजिस्टेंस होगा. यहां पे बेटा हमने बैटरी लगा रखी है. अब हम इसको क्लोज करेंगे. कहानी क्या चल रही है, कंसिडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बीइंग चार्ज्ड बाय अ बैटरी. इसको बेटा हम लोग चार्ज करने जा रहे हैं, ठीक है. तो मैंने इसको क्लोज किया बेटा. जैसे ही मैं की को क्लोज करूंगा क्या होगा, करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा. बेटा करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, देखो ये टर्मिनल पॉजिटिव, ये टर्मिनल नेगेटिव. होगा क्या, यहां से इलेक्ट्रॉन खींचकर यहां पे जाकर चिपकने लगेंगे, है ना. पोटेंशियल डिफरेंस है. कर क्या रहे हैं, कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बीइंग चार्ज्ड बाय अ बैटरी. बैटरी से चार्ज कर रहे हैं बेटा. अभी इसके ऊपर चार्ज कितना है, जीरो. अभी कैपेसिटर कैसा है मेरा, अनचार्ज्ड है. कंसिडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बीइंग चार्ज्ड बाय अ बैटरी. बेटा अभी ये कैसा है, अनचार्ज्ड. अभी इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है. अब हमने बैटरी लगाई, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इधर से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा. आई इलेक्ट्रॉन, ओए इलेक्ट्रॉन. बैटरी क्या इलेक्ट्रॉन खाता है, बैटरी क्या इलेक्ट्रॉन बनाता है, बैटरी इलेक्ट्रॉन को घुमाता है. बैटरी ना इलेक्ट्रॉन खाता है ना बनाता है, सिर्फ उसको घुमाता है. तो यहां से इलेक्ट्रॉन खींचा इस प्लेट से पॉजिटिव टर्मिनल ने, और इसको यूं पुश कर दिया, और ये इलेक्ट्रॉन आके इस प्लेट पर चिपक जाएगा. बेटा यहां से इलेक्ट्रॉन खींचा तो यहां पे आया पॉजिटिव चार्ज, यहां जाके इलेक्ट्रॉन चिपका यहां आया नेगेटिव चार्ज. इस तरह से प्लेट की चार्जिंग होगी, है ना. इस कैपेसिटर को अपन चार्ज करेंगे. अनचार्ज था, बैटरी लगाई, पॉजिटिव टर्मिनल इधर से इलेक्ट्रॉन खींचा, इधर इलेक्ट्रॉन फेंक दिया, है ना. बैटरी इलेक्ट्रॉन खाता नहीं है, जो खींचा इलेक्ट्रॉन इधर फेंक दिया. यहां से इलेक्ट्रॉन निकला पॉजिटिव, यहां इलेक्ट्रॉन चिपका नेगेटिव. अच्छा सर, इतनी बात तो समझ में आ गई, बहुत बढ़िया. बच्चों आगे बढ़ते हैं कहानी को लेके. ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है और ये इलेक्ट्रॉन यहां आ रहा है. बेटा और इलेक्ट्रॉन खींचा, यहां पे एक और पॉजिटिव, यहां पे एक और नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन खींचा, यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव, और ये कहानी चल रही है, ये कहानी चल रही है. अब बेटा बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की. हैं, किसकी मैग्नेटिक फील्ड की है, किसकी मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे. जरा ध्यान से सुनना, जरा ध्यान से सुनना बच्चों. अगर इलेक्ट्रॉन यूं नीचे आ रहा है तो करंट यूं ऊपर जा रहा होगा. डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, सभी को पता है. मैं आपसे पूछूं कि यहां पे कोई मैग्नेटिक फील्ड होगी, आप जवाब दें हाँ या ना में. मैं आपसे पूछूं, ये मेरा पॉइंट वन है, क्या पॉइंट वन पे कोई मैग्नेटिक फील्ड होगी, हाँ या ना में जवाब दें. क्या पॉइंट वन पे कोई मैग्नेटिक फील्ड होगी, हाँ या ना में जवाब दें. क्या पॉइंट वन पे कोई मैग्नेटिक फील्ड होगी, हाँ या ना में जवाब दें. यस, सभी कह रहे हैं पॉइंट वन पे यस मैग्नेटिक फील्ड होगी. बेटा वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाल सकते हैं अपन, अपन यहां पे बना सकते हैं एम्पियर्स लूप, बना सकते हैं. यस मास्टर, अपन बना सकते हैं एम्पियर सर्किटल लूप. तो मैंने एम्पियर सर्किटल लूप बनाया बेटा, और इस एम्पियर सर्किटल लूप के लिए मैं लिख सकता हूं, याद है इंटीग्रल बी डॉट डीएल, याद आया, फॉर क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम ऑफ करंट इनसाइड. बेटा इसके नीचे करंट है, हाँ सर करंट है. तो बेटा करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड होगी, हाँ मास्टर मैग्नेटिक फील्ड होगी. तो बेटा अगर मैं यहां पे एक मैग्नेटिक कंपास रखूं, अगर मैं यहां पे एक मैग्नेटिक कंपास रखूं, तो बेटा वो डिफ्लेक्ट होगा कि नहीं होगा. बेटा यहां पे एक मैग्नेटिक कंपास रखा, वो डिफ्लेक्ट होगा कि नहीं होगा. अरे बोल राधा बोल, डिफ्लेक्ट होगा कि नहीं, बोलो बेटा. अगर यहां मैं एक मैग्नेटिक कंपास रखूं तो क्या वो डिफ्लेक्ट होगा, सभी ने कहा हाँ होगा, क्योंकि भैया मैग्नेटिक फील्ड है. अच्छा बच्चा, मैंने दूसरा पॉइंट यहां ले लिया, है मास्टर यहां ले लिया, सेकंड, दिस इज माय पॉइंट नंबर टू. ओके मास्टर, दिस इज योर पॉइंट नंबर टू. बेटा पॉइंट नंबर टू पे कोई मैग्नेटिक फील्ड होगी, बेटा क्या पॉइंट नंबर टू पे कोई मैग्नेटिक फील्ड होगी, क्या इस जगह पे कोई मैग्नेटिक फील्ड होगी, क्या यहां कोई करंट दिख रहा है. पॉइंट टू के आगे यस नो लिखें, लिखें टू यस टू नो, टू यस टू नो, टू यस टू नो. क्या पॉइंट नंबर टू पे कोई मैग्नेटिक फील्ड होगी, टू यस टू नो, टू यस टू नो, टू यस टू नो. क्या लगता है,
बेटा अगर अपन बात करें एम्पियर सर्किट एल लॉ की, अगर बात करें एम्पियर सर्किट एल लॉ की इंटीग्रल बी डॉट डी एल पॉइंट टू के लिए, बेटा पॉइंट टू के लिए बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट, म्यू नॉट बेटा पॉइंट टू का इसे घेर लेते हैं यूं, ये घेर लिया मैंने पॉइंट टू को, घेर लिए भाई पॉइंट टू को। अब मैं पूछूं क्या पॉइंट टू पे कोई मैग्नेटिक फील्ड होगी? आपने यहां पे एम्पियर लूप बनाया बहुत सुंदर, उसके अंदर कोई करंट नहीं मास्टर, तो बेटा ये तो जीरो हो गया, यानी मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? जीरो होगी। कौन कहता है? एम्पियर सर्किट लॉ कहता है। एम्पियर सर्किट लॉ हमसे यही कहता है कि भाई यहां कोई करंट तो नहीं है, और जब करंट नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है। अब बताओ तुम लोग यस कैसे बोल रहे थे? आई तो जीरो है ना बेटा, यहां कोई करंट कहां है? करंट तो यहां होगा, टर्रम 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 टर्रम, डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेटा यहां तो करंट नहीं है, करंट नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। अच्छा अच्छा, फिर बेटा हम एक्सपेरिमेंट किए, हम क्या किए? एक्सपेरिमेंट किए। एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने क्या किया? हमने टू पे एक मैग्नेटिक निडल रखी, हमने टू पे एक मैग्नेटिक निडल रखी, क्या रखी? मैग्नेटिक निडल, क्या रखी? मैग्नेटिक निडल, ओके मास्टर रख दी। और बेटा मैंने देखा कि निडल डिफ्लेक्ट हो गई है, निडल डिफ्लेक्ट हो गई, हा ओ ए आहा, निडल डिफ्लेक्ट हो गई मास्टर, निडल डिफ्लेक्ट हो गई मतलब मास्टर यहां तो मैग्नेटिक फील्ड है मास्टर, बिना करंट के मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो सकता है रे बाबा? बात समझ में आई? हमने भाई साहब एक एक्सपेरिमेंट किया, टू पे मैग्नेटिक नीडल रखा और देखा कि नीडल डिफ्लेक्ट हो गई, नीडल यहां भी डिफ्लेक्ट हुई, नीडल यहां भी डिफ्लेक्ट हुई, यहां डिफ्लेक्ट हुई क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड, तो वहां डिफ्लेक्ट हुई तो वहां भी मैग्नेटिक फील्ड। तो भैया एक कंक्लूजन बना मैक्सवेल साहब ने, मैक्सवेल साहब कमाल साइंटिस्ट, ग्रेट साइंटिस्ट, ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, शायद नाम बच्चों के बीच में कम है, बच्चे आइंस्टीन न्यूटन को पूछते हैं, मैक्सवेल को, प्लैंक को, बोहर को, इन सब की इतनी पूछ नहीं हुई जितनी आइंस्टीन और न्यूटन की हुई। पर मैक्सवेल साहब ने क्या काम किया? मैक्सवेल साहब ने कहा भैया अंदर करंट है, करंट इज ऑनली नॉट ओनली द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, करंट कुछ और चीज है। उन्होंने बोला कि यहां पे साहब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है। क्या बोला साहब? आपकी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए देखिए साहब आराम से देखिए बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, हाँ मास्टर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, हाँ मास्टर ये इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ मास्टर है। बेटा क्या चार्ज लगातार बढ़ेगा? चार्जिंग चल रही है लगातार, यहाँ पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, वहां नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार बढ़ेगी। जहां होगी चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वहां होगा डिस्प्लेसमेंट करंट। इन्होंने कहा एक नए तरह का करंट है डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट कहां होता है? जहां होगी वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां पे कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं, वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पे देखिए बेटा पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, भैया ये चार्ज हो रही है ना, चार्जिंग लगातार चार्ज होता जाएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला एक और निकला एक और, धीमे धीमे पॉजिटिव चार्ज ग्रो करेगा, धीमे धीमे नेगेटिव चार्ज, तो लगातार इलेक्ट्रिक फील्ड साहब बढ़ती जाएगी। और बेटा जहां होगी यूनिवर्स में चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वहां होगा एक नए तरीके का करंट डिस्प्लेसमेंट करंट। तो भैया इसका आंसर क्या है? इसका आंसर इन्होंने ये दिया कि भैया आपके पास क्या है? डिस्प्लेसमेंट करंट। सभी को क्लियर है डिस्प्लेसमेंट करंट दुनिया में कहां होता है? जहां पे होती है चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। मैक्सवेल साहब कमाल के साइंटिस्ट थे, इन्होंने पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को चार इक्वेशन में समेट के दे दिया, कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, whether it's Gauss law, whether it's Coulomb's law, whether it's Faraday's law, whether it's Lenz's law, whether it's any law that you have studied, जितने भी लॉ पढ़े आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर, जितने भी पढ़े ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट ये वो जो पढ़ा, मैक्सवेल ने कहा इस चार इक्वेशन के बाहर कुछ नहीं है। इसको बोलते हैं यूनिफिकेशन इन फिजिक्स, यूनिफाई करना कॉन्सेप्ट्स को। तो मैक्सवेल ने यूनिफाई कर दिया, बोला आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर यार जो इक्वेशन लिखो आप, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, आप जो लिखो भाई, एम्पियर सर्किट लॉ, बायोट सेवर्ट लॉ, जितने लॉ पढ़े तुमने सब कहां से निकलेंगे? मेरी चार इक्वेशन से निकलेंगे। कमाल साइंटिस्ट है, यूनिफिकेशन पे काम किया। तो मैक्सवेल साहब ने सबसे पहली बात कही कि भैया यहां एक करंट है और उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट।
कब मिलता है डिस्प्लेसमेंट करंट? जब चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हो, एक्सपेरिमेंट क्लियर हो गया। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट करंट, अ करंट ड्यू टू चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बेटा फील्ड चेंज होगी, फील्ड बढ़ेगी तो फ्लक्स बढ़ेगा, फील्ड घटेगी तो फ्लक्स घटेगा, जाहिर सी बात है। तो बेटा ये हमारी कैपेसिटर की प्लेट है, यहां मान लो एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, तो बेटा हल्की सी फील्ड बनी, एक और पॉजिटिव चार्ज एक और नेगेटिव और भारी इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, एक और पॉजिटिव एक और नेगेटिव और भारी इलेक्ट्रिक फील्ड। आप ध्यान से देखें, फ्लक्स भी तो बढ़ रहा है साहब, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ रही हैं तो फ्लक्स भी बढ़ रहा है साहब। तो इन्होंने कहा भैया एक डिस्प्लेसमेंट करंट होता है विच इज नॉट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये तब आता है व्हेन देयर इज अ चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ यहाँ चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड है, हाँ यहाँ चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी है। इन्होंने कहा एक नया करंट आएगा, डिस्प्लेसमेंट करंट साहब, डिस्प्लेसमेंट करंट। अभी डिस्प्लेसमेंट नाम क्यों है? क्योंकि इन्होंने मेन करंट को डिस्प्लेस कर दिया है ना, अब कंडक्शन करंट की जगह एक नया तरह डिस्प्लेस कर दिया उसको, एक नया आ गया डिस्प्लेसमेंट करंट। सिंबल यूज किया गया आईडी। बेटा आईडी का फॉर्मूला क्या है? आईटी का फॉर्मूला नहीं है बेटा, आईटी का कोई, आईडी का फॉर्मूला मेहनत, आईडी का फॉर्मूला क्या है बेटा, आईडी का फॉर्मूला क्या है अपने पास? एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डीटी, चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा, दिस इज द डेफिनेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट। ID is equals to epsilon naught d phi e by dt, सभी को क्लियर हो गया भैया? ID is equals to epsilon naught d phi e by dt, क्लियर है? एक बच्चा कह रहा है स्लो स्लो, बेटा लेट आप हैं हम नहीं, ठीक है क्लियर है? मैक्सवेल सर ओपी, अरे बहुत सही बात मैक्सवेल सर ओपी। तो भैया d phi e by dt है ना, epsilon naught d phi e by dt, ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट करंट। अभी कहानी के अंदर एक और झोल है, झोल क्या है? डिस्प्लेसमेंट करंट कहां पे होगा सर? डिस्प्लेसमेंट करंट यहां पे होगा साहब जी, इस जगह पे आईडी, और बाहर क्या होगा? यहां पे, क्या यहां पे कोई चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है? यहां क्या होगा बेटा? यहां होगा कंडक्शन करंट आईसी, आईसी कंडक्शन करंट। अब ये क्या चीज है सर? ये वही जो पढ़ते थे यार, हाँ वही बस वही, हाँ हाँ वही बस वही कंडक्शन करंट। फॉर्मूला क्या है सर इसका? अरे यार ऐसी बात कर दी, डी क्यू बाई डी टी भाई साहब, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, पैदा होते ही पढ़ा था कंडक्शन करंट डी क्यू बाई डी टी। और आईडी क्या है? डिस्प्लेसमेंट करंट। ये कब आता है? अ करंट ड्यू टू चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स गिव्स राइज टू डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या सच में कोई डिस्प्लेसमेंट करंट होता है? सोचने पे मजबूर, सब मनगढ़ंत कहानी, कुछ नहीं होता। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से बनती है चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब सीधा सीधा लिंक उनको समझ में नहीं आ रहा था, भैया हुआ क्या अल्टीमेटली? क्या हुआ यहां पे? नीडल डिफ्लेक्ट हुआ अल्टीमेटली, समझना है तो समझो। मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो ऐसे ही मैं पढ़ा दूं, रटने वाला टॉपिक ऐसे करा दूं, डिस्प्लेसमेंट करंट में ये फॉर्मूला लिख के भाग जाऊं, मजा देखो। ये सब मनगढ़ंत कहानी, ऐसा कोई करंट होता नहीं। पहली बात तो ये सुनो, ये तो एक चेन बनाई है इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड पे जाने की। भैया एक्चुअली क्या होगा कि इस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहां क्या बनेगी? मैग्नेटिक फील्ड। अरे 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 अरे, मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हुई, हमने कहा नीडल डिफ्लेक्ट हुई, मैग्नेटिक फील्ड मतलब करंट होगा, जरूरी है क्या? मन गलत कहानी, क्या यार मैग्नेटिक फील्ड है तो करंट होगा, उस करंट का नाम दे दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। दिस इज कंप्लीट मन गलत कहानी। बात समझ में आई? करंट डेफिनेशन पे ये फिट ही नहीं बैठती बात, बात समझ में आ रही है? चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, वो भी चेंजिंग, यही तो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, एंड देन अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड देन द चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, एंड दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यही तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, तभी तो यहीं से चैप्टर स्टार्ट किया जाता है डिस्प्लेसमेंट करंट से। फील आया भैया जी, समझ में आई बात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में? चलो बेटा है ना, साथ में लिख देते हैं मनगढ़ंत कहानी है, मनगढ़ंत कहानी है ना। एग्जाम में पर डिस्प्लेसमेंट करंट पूछे तो ये मत लिख के जाना मनगढ़ंत, वहां पे आंसर निकालना पड़ेगा। दूसरी बात बेटा है कंटिन्यूटी प्रिंसिपल, कंटिन्यूटी। अब बेटा कंटिन्यूटी प्रिंसिपल हमसे ये कहता है कि जितना करंट इधर से गया साहब
उतना करंट उधर से बाहर आया, तो बीच में भी करंट बराबर ही रहा होगा, है ना। ये बोल रहे हैं जितना करंट इधर से घुसा उतना करंट इधर से निकला, है ना। तो ये भी यार फिजिसिस्ट को ये चीज भी खल रही थी थोड़ी, यार बीच में करंट नहीं है, करंट क्या जादू से पहुंचा यहां से वहां जंप कर गया, कैसे हुआ, अरे कैसे हुआ। तो कंटिन्यूटी प्रिंसिपल बड़ा सिंपल, इसने कहा भैया एल एल है भैया, आईसी इज इक्वल्स टू आईडी। अब भाई आपका सवाल हलवा हो गया, किसी सवाल में आपको आईसी आसानी से मिल रहा है आईडी पूछा है निकाल दो, किसी सवाल में आईडी आसानी से निकल चुका है आईसी पूछा है निकाल दो। पर एक बात याद रखना मेरी, ये सब कहानी तब तक ठीक है, आईडी एग्जिस्ट ओनली टिल ई इज चेंजिंग। बेटा ई चेंज होना बंद हुआ आईडी जीरो चेंज होती, इलेक्ट्रिक फील्ड है मतलब कैपेसिटर चार्ज होता रहे या कैपेसिटर डिस्चार्ज होता रहे। हमसे बोला कैपेसिटर अभी 10% चार्ज हुआ है, मतलब अभी चार्जिंग बाकी है, डिस्प्लेसमेंट करंट बाकी है। हमसे बोला कैपेसिटर 100% चार्ज है, डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो, और जहां डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो यहू जीरो। बात समझ में। हमसे बोला भैया एक कैपेसिटर 80% चार्ज है, डरना नहीं, 80% चार्ज है मतलब चार्जिंग चल रही है। जब तक चार्जिंग चल रही है, जब तक डिस्चार्जिंग चल रही है, जब तक यहां पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है या घट रहा है, तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, और जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है तब तक डिस्प्लेसमेंट करंट है, और जब तक डिस्प्लेसमेंट करंट है तब तक इस सर्किट में कंडक्शन करंट है। बात क्लियर है, बात क्लियर है। डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। क्लियर है भैया जी, बहुत बढ़िया। सर इसकी यूनिट क्या है? वही यूनिट होती है देखो, बराबर एम्पियर है, वही चीज इमेजिनरी करंट। चलो आगे बढ़ते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ, है ना। मैक्सवेल साहब आए बॉस बन के, बोले अच्छा क्या बताया था आपने, है ना। एम्पियर साहब से पूछे, एम्पियर साहब क्या बोला था आपने, एम्पियर साहब ने कहा इंटीग्रल बी डॉट जीएल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, और इनका करंट कौन सा है, कंडक्शन करंट, है ना। मैक्सवेल को कहां पता, सॉरी एम्पियर साहब को कहां पता था कि कोई आपके पास लेटर डिस्प्लेसमेंट करंट जैसा कुछ बनेगा, ये कहा था किसने, एम्पियर साहब ने। तो गलत हो गया है, कैसे गलत हो गया है मास्टर, अरे यार कैसी बात कर रहे हो, यही तो पढ़ लेते कि भैया यहां पे आपने क्या देखा, नीडल डिफ्लेक्ट हो गया और आपने लूप बनाया, अंदर कोई करंट भी नहीं है, तो इनका लॉ तो फेल कर रहा था। तो मैक्सवेल ने कहा बढ़िया अपॉर्चुनिटी है भैया, अपना नाम लगाते। इन्होंने कहा इस लॉ का मैं नाम बदल दूंगा, आई एम गोइंग टू डिस्ट्रॉय दिस मैन्स कैरियर। उन्होंने कहा मैक्सवेल हा एम्पियर हा सर्किट लॉ, इन्होंने कहा मैं इस लॉ में इंप्रूवमेंट करूंगा। क्या इंप्रूवमेंट की, बहुत छोटी सी इंप्रूवमेंट। इन्होंने कहा इंटीग्रल बी डॉट डीएल, साहब आप सही कह रहे थे, बस जरा से एक बात सुनिए मेरी, म्यू नॉट साहब बस ये लिख देते आप आईसी प्लस आईडी। मतलब सर, बेटा यहां पे आईसी होगा आईडी जीरो, यहां पे आईडी होगा आईसी जीरो। अच्छा बड़ी कमाल की बात थी कि जितनी मैग्नेटिक फील्ड यहां थी उतनी यहां थी, बराबर है। इसी बात से ये बात भी जाहिर हो गई कि आईसी आईडी बराबर है। इतना मैंने डिटेल में बताया नहीं, अब बता दे रहा हूं कि जितनी मैग्नेटिक फील्ड आपको इस जगह पे मिली, यहां पे एकदम बाहर जस्ट बाहर, उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड आपको जस्ट अंदर भी मिली। तो मैग्नेटिक फील्ड बराबर है, बराबर है ना, जितनी यहां पे उतनी जस्ट अंदर भी, इसका मतलब करंट भी बराबर। और तभी बोल दिया भैया कंटिन्यूटी की, आईसी इज इक्वल्स टू आईडी, जैसे समझ लो। अब बेटा यहां पे क्या होता है, यहां पे कंडक्शन करंट होता है और डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो होता है। अंदर की बात करें बेटा, तो यहां पे क्या होता है, यहां डिस्प्लेसमेंट करंट होता है, कंडक्शन करंट जीरो होता है, दोनों बराबर होते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर और बाहर बराबर। तो इन्होंने कहा ये लिख दो आईसी प्लस आईडी, सब सही हो जाएगा। तो इस तरह से इन्होंने अपना नाम भी फेमस कर लिया, ऐसा नहीं है बहुत काम किया इन्होंने। पर मैक्सवेल साहब ने एक बात कही थी कि कोई भी लॉ मैंने खुद नहीं बनाया है, सब साइंटिस्ट लोग का है, हम तो बस यूनिफाई कर रहे हैं, इन्होंने इतना किया था, ठीक है। सो बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी। और बेटा चाहो तो आई डी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे मास्टर ऐसे लिख दो तो ये बड़ा खतरनाक सा करने लगता है। अब इसी को मैं ऐसे लिख देता क्लास के स्टार्टिंग, तो अरे वाह मास्टर ई का है आई प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी टी, ये भी है भैया, आईडी की जगह सीधा ये लिख दिया। पर यार एक बात है,
यहां से ना कुछ खास चीज निकल के आ रही है साहब, जरा ध्यान से देखिए, मजेदार चीज है भाई, आराम से देखेंगे इसको। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फील नहीं होगी, वरना फिर वही पढ़ोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूं वाइब्रेट करती है, मैग्नेटिक फील्ड यूं वेव यूं चली जाती, काहे क्यों कैसे कुछ नहीं समझ में। अब जरा देखो बेटा, चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज, चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज, और जहां हुई इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज वहां बनी मैग्नेटिक फील्ड, जहां हुई इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज वहां मैग्नेटिक फील्ड बनी, और जहां होती है मैग्नेटिक फील्ड चेंज वहां इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। पहले पढ़ चुके हो पर याद नहीं आ रहा, अभी याद आएगा, आगे अभी याद आएगा, अभी याद आएगा। जहां हुई इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज वहां फ्लक्स चेंज होगा, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड बन गई, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज से मैग्नेटिक फील्ड। और ये बात आप पढ़ चुके हो प्रीवियस लेक्चर में कि मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी देखो क्या क्या बताएंगे, तुमको मजा आ जाएगा। यहां तक बातें क्लियर है, और सवाल करते हैं थोड़ा सा। आओ बच्चों, द वोल्टेज, बेटा इट्स रीड एज वोल्टेज नॉट वोल्टेज, ठीक है। द वोल्टेज बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ अ कैपेसिटेंस इतना इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ दिस, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट इन द कैपेसिटर। क्या मांगा, डिस्प्लेसमेंट करंट, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट। अब साहब या तो मैं डिस्प्लेसमेंट करंट निकालू या मैं कंडक्शन निकालू, मेरी मर्जी। तो हमसे डिस्प्लेसमेंट मांगा, अरे नहीं साहब हम कंडक्शन निकालेंगे। सर कंडक्शन करंट का फॉर्मूला वही जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, पैदा होते ही जिसमें डॉक्टर से बोला था, dQ/dt। सर क्यू क्या होता है भैया, कैपेसिटर प्लेट है, ये भी नहीं पता आपको, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बेटा ये कैपेसिटर है बेटा, चार्ज कितना होता है, Q = CV चिपका दो बेटा, dCV/dt बेटा, सी तो कॉन्स्टेंट होता है कैपेसिटेंस, तो सी को बाहर ले लो, क्या बचा dV/dt, सी तो कांस्टेंट हुआ कैपेसिटेंस बाहर, dV/dt। अब बेटा dV/dt क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज, रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज। अरे देख लो जरा, द वोल्टेज बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ, लो भैया ये भी पता है बेटा, कैपेसिटेंस की वैल्यू रख देंगे, कैपेसिटेंस की वैल्यू है 1 μF 10^-6 F। इसके बाद बेटा dV/dt, dV/dt कितना है 5, तो 5 × 10^-6 A या 5 μA, ऑप्शन ए सभी का आ गया भैया, बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, अ कैपेसिटर हैज बीन चार्ज्ड बाय अ डीसी सोर्स, अच्छा What are the magnitude of conduction and displacement current when it is fully charged? साहब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया है, फुल्ली चार्ज, ओके सर, फुल्ली चार्ज, ओके सर। बेटा अगर फुल्ली चार्ज है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट हो जाएगी, और बेटा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट हो गई तो डिस्प्लेसमेंट करंट बचेगा ही नहीं भैया, फुल्ली चार्ज, फुल्ली चार्ज तो खत्म, डिस्प्लेसमेंट करंट कब आता है, जब देयर इज वेरिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जाहिर सी बात है आपका आंसर होगा 0। अब बेटा डिस्प्लेसमेंट करंट 0 तो कंडक्शन करंट भी 0, ऑप्शन मैच करा लो बेटा, ऑप्शन डी, क्लियर। अरे डी क्यों बता रहे हो भाई साहब, कैसी बात कर रहे हो तुम लोग, क्या बात कर रहे हैं आप लोग, डी क्यों लिख रहे हो भाई, आईडी 0 IC 1 कहां से आ गया, हिपोक्रेसी की भी एक सीमा होती है, 1 कहां से आएगा, ये तो गलत बात हो गई, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, IC 1 कैसे होगा, dQ/dt बेटा कुछ वैल्यू नहीं पता है। चलो नेक्स्ट, फेज 2 2016। अब बताओ, 100 ओम रेजिस्टेंस एंड अ कैपेसिटर ऑफ 100 ओम रिएक्टेंस, आए हाय हाय, ये तो एसी में पढ़ा है रिएक्टेंस वगैरह, आर कनेक्टेड इन सीरीज, आ रहे इसका तो जेड निकालूंगा मैं, अक्रॉस अ 220 वोल्ट सोर्स, व्हेन द कैपेसिटर इज 50% चार्ज्ड, 50% चार्ज मतलब चार्जिंग चल रही है, द पीक वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट करंट, बेटा डिस्प्लेसमेंट करंट की पीक वैल्यू पूछी है, बेटा डिस्प्लेसमेंट करंट की पीक वैल्यू पूछी है, डिस्प्लेसमेंट करंट की पीक वैल्यू, अरे हम क्या जाने भैया, इसका तो फॉर्मूला भी अजीबो गरीब था, εo d5, अरे भैया तो यार इस तरह से करना तो बेकूफी है, हम क्या करेंगे,
हम कंडक्शन करंट की पीक वैल्यू निकाल देंगे, खेल खत्म, पैसा हजम, बजाओ ताली, काम खत्म। तो बेटा अपने पास एक रजिस्टर है, एक कैपेसिटर है जिसका रिएक्टेंस दे रखा है 220 वोल्ट लगा है। बेटा जो समझदार बच्चा है वो जानता है 220 वोल्ट कौन सी वैल्यू है ना। थोड़ा सा भी जो समझदार है वो जानता है क्या कि एंजल प्रिया लड़का है और 220 वोल्ट आरएमएस करंट है, उसको ये बात पता होती है ना। अच्छा बेटा व्हेन द कैपेसिटर इज 50% चार्ज, है ना यार, इससे ना बहक मत जाना, कैपेसिटर इज 50% चार्ज मतलब अच्छा 50%, अच्छा तो 50 है, चार्जिंग चल रही है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट है, बस इतनी ही बात थी। कैपेसिटर 50% चार्ज मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट है, अभी जीरो नहीं हुआ, बस इतनी ही बात है और कुछ नहीं। अब बेटा जाहिर सी बात है इसका रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 100 ओम, इसका रेजिस्टेंस कितना रखा है 100 ओम। तो बेटा आपको पता है यहाँ पे जेड निकलता है, जेड बेटा कैसे बनता है, आर यू बनता है, एक्स सी किधर बनता है बताओ यार, एसी पढ़ लिया है मुझसे, ऐसा मत करना, ऐसे नीचे, और यहाँ बनता है जेड। बेटा जेड की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, बेटा दोनों 100-100 है, अंडर रूट 100 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर, तो बेटा 100 बाहर आ जाएगा और क्या बचेगा रूट 2, ये हो गया जेड। इसके बाद बेटा आप क्या निकाल सकते हो, अब देखो आपके पास आरएमएस वोल्टेज है तो आप आरएमएस करंट निकाल लो, फिर आपको क्या निकालना है पीक करंट भी निकालना है। तो आप पहले आरएमएस निकाल लो, आई आरएमएस इज इक्वल्स टू वी आरएमएस डिवाइड बाय जेड आई, हाय हाय ये तो पुराना वाला चैप्टर है, 220 बटे 100 रूट 2, 100 कैंसिल। बेटा आई नॉट चाहिए, आरएमएस क्या होता है, आई नॉट बाय रूट 2 इज इक्वल्स टू 22 बटे 10 रूट 2, यही होता है ना आई आरएमएस, आई नॉट बाय रूट 2, तो बेटा रूट 2 को मार देगा, ये कितना आया। अब बेटा जो कंडक्शन का पीक वैल्यू है वही डिस्प्लेसमेंट का पीक वैल्यू होगा, 20 दी आंसर, बोलो सभी को क्लियर है, बहुत बढ़िया राकेश कुमार पांडे, जबरदस्त जवाब है, शाबाश सर, शादी में कब बुला रहे हो, जब तुम करोगे हर्ष राजपूत तब तुम्हारी शादी में मैं सबको बुला लूंगा यूट्यूब से, सभी लोग हर्ष की शादी में चलेंगे, ठीक है, वी ऑल विल कम टू हर्ष शादी एंड वी विल बी वेरी हर्ष हर्ष इन दैट, हर्ष मतलब होता है खुशी। इंपॉर्टेंट नोट, क्या इंपॉर्टेंट नोट, अच्छा मैं सोचा क्या इंपॉर्टेंट नोट, अरे बड़ा खतरनाक इंपॉर्टेंट है, मजा आने वाला है आपको साहब, अब आपको समझ में आने वाला है साहब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, मजा आने वाला है आपको, आपको फील होने वाला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसी होती, क्यों होती, कैसे बनती, क्या हुआ, सब समझ में आएगा। जरा ध्यान से सोचो, इसको याद करो, बी इज इंक्रीजिंग क्या होगा, दिमाग पे जोर डालो, आज का छोटा सा टॉपिक है, मजा लेके पढ़ते हैं, बाद में भगा देंगे जब बोरिंग आएगी चीजें, तो लाइफ में एडवेंचर लाओ, घर पे लव स्टोरी बताओ, तेजी भागेंगे। बी इज इंक्रीजिंग भाई साहब, अंदर की मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, बताओ क्या होगा, वाई आई सी इज इक्वल टू आई डी, अभी तो बताया बेटा कि जो मैग्नेटिक फील्ड यहां थी वही मैग्नेटिक फील्ड अंदर थी, एक बच्चा पूछ रहा है वाई आई सी इक्वल टू आई डी, बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड एक्सपेरिमेंटली यहां मिली वही यहां, भाई एक्सपेरिमेंटली यू कैन मेजर ना द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो जो यहां थी वही यहां थी, यहां कौन सा करंट है कंडक्शन, यहां कौन सा डिस्प्लेसमेंट, अगर मैग्नेटिक फील्ड दोनों जगह बराबर है इसका मतलब करंट भी बराबर होगा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी नाइस। बेटा यहां पे आ जाओ, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इंक्रीज कर रही है, हाय 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 सभी ने बताया करंट होगा, शाबाश मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रही है तो इसमें क्या होगा, करंट फ्लो करेगा कैसे, ताकि मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करे, मतलब यू, शाबाश बहुत बढ़िया मजा आ गया, यूं करंट बहेगा ACW, बेटा करंट मतलब फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, करंट मतलब फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो बेटा पॉजिटिव चार्ज कुछ यूं फ्लो कर रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज कुछ यूं फ्लो कर रहा होगा राइट, और बेटा पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है का मतलब पॉजिटिव चार्ज इधर आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस तरह की, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मास्टर ने पढ़ाई थी, आपने पढ़ी थी, भूल गए, ऐसे नहीं चलेगा। तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रही है, उसको डिक्रीज करने के लिए करंट फ्लो कराया ACW, और करंट का मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यहां पॉजिटिव चार्ज नीचे जा रहा है, यहां ऊपर जा रहा है, यहां दाएं यहां बाएं जो भी है इधर उधर जाए, बेटा पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है इसका मतलब नीचे की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जो पॉजिटिव चार्ज के नीचे ले जा रही होगी, आय हाय हाय याद आया इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, सभी को याद आया इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक काम करते हैं इधर करंट और जिधर करंट उधर
पॉजिटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव चार्ज, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सभी को समझ में आया कि बेटा यूं एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, यूं एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। और सभी को बताया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नए तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड थी, साइक्लिक। हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर फॉर्म क्लोज लूप, बट इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉर्म क्लोज लूप, दीज आर न्यू काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां खास बात क्या हुई, अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। A changing magnetic field produces an electric field, and दूसरी खास बात सुनो, ये magnetic field अंदर की तरफ थी और electric field यूं आई। magnetic field और electric field के बीच में कितना angle है, ये magnetic field अंदर थी हाँ, electric field यूं आई हाँ, इनके बीच में कितना angle है, what is the angle between induced electric field and magnetic field, what is the angle? 90 degree. A changing magnetic field produces an electric field and the electric field is perpendicular to the changing magnetic field. A changing magnetic field produces an electric field and the electric field is perpendicular to the changing magnetic field. बन तो रही है electromagnetic wave. बस इसका उल्टा भी हो जाए अब कि ये electric field जो change हो रही है ये magnetic field बना दे, काम बन गया। दोनों साथी साथी, जैसे तुमने प्लानिंग किया अपने बाबू शोना के साथ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा कुछ भी हो जीवन में, तुम कुछ भी करो बाबू मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरे एक दोस्त ने भी किया था, दोनों सब्जी बेचते हैं साथ में, वो नीचे से टमाटर यूं पकड़ाती है, वो बेचता है आगे आके टमाटर। दोनों ने क्लास 12 में प्रॉमिस किया था, कोचिंग जाते थे हम लोग, एक खरे साहब की कोचिंग थी, वहाँ प्यार मोहब्बत चला आपस में। हम लोग ने बोला कि यार पढ़ लो, तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो भाई, है ना भाई, तुम पढ़ाई कर लो, नहीं कर रहे हो। तो बोला कि हम उसको नहीं छोड़ेंगे। हम लोग बोले भैया पढ़ लो, ऐसे नहीं होगा, हम सब्जी बेच लेंगे साथ में, पर हम लोग एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। आज बेच रहे हैं सब्जी साथ में, वो नीचे से टमाटर पोच पोच के पकड़ाती हैं, ये ऊपर से बेचते हैं, है ना। तो यही यहाँ पे भी चाहिए हमको, इसी तरह का कुछ तालमेल चाहिए भाई, कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, ओहो ओहो ओहो। अब इसी का उल्टा हो जाए तो बात बन जाए, जरा यहां पे आओ बेटा, अगर इसकी चार्जिंग चल रही है ओके मास्टर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यू बढ़ रही होगी ओके मास्टर, ई इंक्रीजिंग लिख सकते हैं हाँ लिख सकते हैं मास्टर, ओके थैंक यू ओके। अगर चार्जिंग चल रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी यस मास्टर। बेटा डिस्प्लेसमेंट करंट कैसा होगा, बेटा डिस्प्लेसमेंट करंट कैसा होगा मास्टर, ऐसा होगा, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू बेटा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बेटा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब बताओ बेटा मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, थंब लगाएंगे इधर कुछ बाहर आती हुई। अगर इस पॉइंट पे पूछूं, अगर मैं पूछूं इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, ऊपर करंट कैरिंग वायर के हाथ डायरेक्शन में थंब कुछ बाहर कुछ अंदर। बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, ये मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, परपेंडिकुलर टू द चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड, और वो मैग्नेटिक फील्ड होती है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्ट, और फिर ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है मैग्नेटिक फील्ड, और ये दोनों यूं यूं आगे बढ़ते हैं और क्या बन जाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड ड्यू टू चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत बढ़िया बन गई काम, ये तो इनफाइनाइट हो गया, जाहिर सी बात है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहां तक जाती है, इन्फिनिटी तक जाती है, ये काम बन गया। वो रोज टमाटर पोच पोच के देंगी, ये बेचेंगे, जुगलबंदी है भाई साहब साथ साथ की, तभी तो बनेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव,
Electromagnetic wave travels in vacuum. Yes. Electric field, magnetic field can be produced in vacuum as well. So it can travel in vacuum as well. Electric field, magnetic field को कौन सी जरूरत है? ये तो vacuum में चलती हैं. Electric field vacuum में जब रहती है तो उसका constant क्या होता है? Epsilon naught. Magnetic field होती है तो उसका mu naught. जबरदस्त. Sun से यहां तक पहुंच जाती है. बिल्कुल पहुंचेंगी साहब, क्यों नहीं पहुंचेंगी? एक दूसरे को बनाते हुए आगे बढ़ते हुए हम तक आ गई. चलो भाई, इतनी बात क्लियर हुई. अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक, मेरे साथ सब लोग बोलेंगे, अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड. अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. बहुत बढ़िया, शाबाश. अब आ गए हम लोग मैक्सवेल साहब की इक्वेशन में. इन्होंने कहा पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को चार फॉर्मूले में लपेट देंगे. ठीक है, जैसे हम लोग कई बार क्लास लपेट देते हैं वैसे. चलो, मैक्सवेल ने कितनी इक्वेशन दी बेटा? चार इक्वेशन. यूनिफिकेशन किया है, चार इक्वेशन से क्या किया? यूनिफिकेशन किया. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का तुमको एक और खतरनाक बात बता दूं, आज लक्ष्य बैच में मैंने बताई थी. There is nothing such as electric and magnetic field. There is only electromagnetic field. It depends upon your frame of reference. What kind of field you are seeing? तुमको किसी पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगती हुई दिख रही होगी, और तुम्हारे दोस्त को उस पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स लगती हुई दिख रही होगी. It's just the frame of reference. There is no separate electric and magnetic field in this universe. There is only electromagnetic field, and it depends upon your frame of reference. कि आप कौन सी फील्ड को देख पा रहे हो. ये दोनों एक ही फील्ड होती हैं. रास की बात बताई है मैंने, ठीक है. लक्ष्य बैच में बबीता दीदी आई थी, पहली बार बबीता दीदी का फेस रिवील हुआ था, तब मैंने ये बात पूरी डिस्क्लोज की थी. सबको याद होगा स्कूटी चलाते हुए आई थी बबीता दीदी, तब मैंने पूरा बताया था, इसकी पूरी कहानी बताई है. बढ़िया डिस्कशन है, आधे एक घंटे का जबरदस्त डिस्कशन है. उसकी एक क्लिप डाल दूंगा यहाँ, आपको मजा आ जाएगा, आपको फील आ जाएगी, ठीक है. बट अभी तो नीट का पेपर देख के आओ, तब ये सब फीलिंग होगा. चलो भैया, मैक्सवेल ने चार इक्वेशन में यूनिफाई किया. पहली इक्वेशन सबने पढ़ रखी है, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. गॉस लॉ किसको नहीं पता? सबको पता है. गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या बोलता है? द टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज. तो बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स φe थ्रू क्लोज सरफेस, थ्रू क्लोज सरफेस 3D सरफेस इज इक्वल्स टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो बेटा ये मैक्सवेल की पहली इक्वेशन है, ये मैक्सवेल की पहली. चार इक्वेशन देंगे, पर ये अच्छी नहीं लगी किताब वालों ने. कहा यार बच्चे डरेंगे ना इससे, शर्मा जी को जैसा लिखिए बच्चे डर जाए. अच्छा रुकिए, थोड़ा कोशिश करते हैं. इंटीग्रल E डॉट dA अच्छा इज इक्वल्स टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट. इनको पता नहीं, बच्चे फिजिक्स वाला से पढ़ रहे हैं, सब चीज हलवा है उनके लिए. तो इस तरह से किताबों में लिखी गई पहली इक्वेशन, इंटीग्रल ई डॉट डी इज इक्वल्स टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट. और यहां पे क्लोज इंटीग्रेशन लगा दिया. क्या लगा दिया? क्लोज इंटीग्रेशन लगा दिया. बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं. दूसरी, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म. देखते हैं कितने लोग को याद है गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म. दिस इज नॉट एम्पियर सर्किटल लॉ. गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म किसको किसको याद है? आओ देखें किसको किसको याद है. गॉसला इंटीग्रल बी डॉट डी ए इज इक्वल्स टू क्या था? इंटीग्रल बी डॉट डी ए इज इक्वल्स टू, बताओ, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू क्या था? द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू, आहा मजा आ गया, सभी ने पढ़ के आया, गजब. मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो. द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, मजा आ गया भाई, उम्मीद बैच में पढ़ा के मजा आ गया कसम से, इज इक्वल्स टू जीरो. द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस. अच्छा ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? इसका रीजन क्या था? याद है मैग्नेटिक मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट. याद आ गया कि भैया सिंगल पोल होगा ही नहीं, जहां होगा डाइपोल. नॉर्थ से जितनी फील्ड लाइन निकलेंगी साउथ में उतनी घुस जाएंगी, जितना पॉजिटिव फ्लक्स उतना नेगेटिव फ्लक्स, नेट फ्लक्स इज जीरो. तो बेटा ये यही बताता है कि
मैग्नेटिक मोनोपोल, और जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मोनोपोल होते हैं, किसी क्लोज सरफेस में पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव फ्लक्स बाहर जाता हुआ, किसी क्लोज सरफेस में नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव फ्लक्स अंदर आता हुआ, सभी को क्लियर हो गया। तो भैया शर्मा जी ने फिर कहा, मिश्रा जी बहुत आसान लग रहा है कि तो ऐसा लिखे, बच्चे थोड़ा डरे, लिख रहे हैं, एक मिनट, इंटीग्रल वी और डी इज इक्वल टू जीरो, ये सही है, थोड़ा तो ठीक लग रहा है। शर्मा जी अगले क्वेश्चन में इनकी हालत खराब करेंगे अगली इक्वेशन में। तो बेटा ये दूसरी इक्वेशन बन गई है ना, अभी शर्मा जी मिश्रा जी सेटिस्फाइड नहीं है, अभी अगली इक्वेशन में और ये एक काम करेंगे, अगली बार से खान जी भी ले आएंगे, वरना सेक्युलरिज्म वाली बात ना होने लगे कि शर्मा मिश्रा जी क्यों हर बार, है ना, तो खान साहब भी होने चाहिए इसके अंदर। यहां तक क्लियर हुई बात, बी डॉट डी इज इक्वल टू जीरो, है ना। तो अच्छा दूसरा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अब यहां पे थोड़ा सा तीसरी इक्वेशन में दिखाते हैं दम, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूसेस एन ईएमएफ, फैराडे लॉ, सब बेटा इसी के पार्ट हैं, फैराडेज लॉ, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूसेस एन ईएमएफ, अच्छा यानी ईएमएफ इज इक्वल्स टू बोलो माइनस डी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स बाई डी टी। कौन मिश्रा जी, बच्चों को डरा ही नहीं रहे, सब तो सब पढ़ा हुआ है, कुछ डालिए भौकाल सा, एक मिनट, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड, जरा ध्यान से सुनो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई, ध्यान से सुनो, ध्यान से समझ में आएगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, और बेटा जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहीं तो पोटेंशियल होगा। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, लेट अस डिस्कस यार, लेट अस डिस्कस व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या हमने ये पढ़ा है डीवी इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डीआर, साहब हो ही नहीं सकता ये ना पढ़ाओ आपने, डीवी इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डीआर पढ़ा है सभी ने, साहब ने पढ़ा है डीवी इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डीआर, अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं इधर और इधर, डीवी का इंटीग्रेशन मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जोड़ते गए जोड़ते गए जोड़ते गए, नेट ईएमएफ आ गया माइनस इंटीग्रल ई डॉट डीएल, क्या बोला क्या बोला क्या बोला, ई डॉट डीएल है ना, डीआर की जगह डीएल लगा दिया, ई डॉट डीएल, ई डॉट डीएल ये लग गया। अब ये ईएमएफ ऑलरेडी हमें पता है इसके तो नेगेटिव ही होगा, तो इस वाले नेगेटिव को तो आप भूल जाओ, है ना, आप बोलो सर ये ईएमएफ इसके भी नेगेटिव है, नहीं नहीं इसके तो साथ बनेगा। अल्टीमेट इक्वेशन क्या बनेगी, अल्टीमेट इक्वेशन बनेगी इंटीग्रल ई डॉट डीएल, पढ़ा ये भी पहले पढ़ा बेटा, ये मत बोलना नहीं पढ़ा, इज इक्वल्स टू माइनस डी फाइ बी बाय डी टी, लिख सकते हैं ऐसे, ऐसे लिख सकते हैं, ये पढ़ा था आपने इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में, देखो यहां मिटा दे वरना यहां का माइनस तुमको परेशान करता रहेगा, तो मैंने तुमको समझाने के लिए शॉर्टकट बताने की कोशिश की। अब शर्मा जी शुक्ला जी मिश्रा जी सब खुश हैं, खान साहब सब कह रहे हैं हाँ ये अच्छी है, इसमें लगेगी बच्चों की वाट, बेटा यही इक्वेशन है और यही इक्वेशन है, दोनों डिफरेंट नहीं है, These two are similar. सबके एक आसान फॉर्म है, एक ऐसे खतरनाक सा बना देते हैं डराने के लिए, सीधा ये लिख दे अरे सर ये क्या, ये लिखे हाँ फैराडेज लॉ है समझे बात को, चलो नेक्स्ट, आखिरी इन्होंने कहा हमने भी तो कुछ बनाया है, अपनी चार इक्वेशन में अपनी इक्वेशन कैसे नहीं डाले, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, याद आया अभी तो पढ़ा है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूसेज अ मैग्नेटिक फील्ड, है कि नहीं, कैसे बनता है बेटा, एम्पियर सर्किटल लॉ है ना, एम्पियर मैक्सवेल लॉ, सॉरी एम्पियर मैक्सवेल सर्किटल लॉ, क्या लिखा इन्होंने, इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी, कैसा लग रहा है शुक्ला जी, इस बार खान साहब बताएंगे,
खान साहब बच्चों कुछ कर ही नहीं रहे हैं। खान साहब आप भी कुछ लगाइए दिमाग, कुछ इसको बढ़िया से लिखिए। बोले अच्छा रुकिए हम बताते हैं। इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई सी, बेटा आई डी क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी टी। ले बेटा खत्म, ये चार इक्वेशन मैक्सवेल की। अब बता इसमें क्या नहीं समझ में आया। और ये बच्चों को बड़ा डर लगता है, मैक्सवेल की चार इक्वेशन है, रट के चले जाएंगे भैया, समझ में तो आएगी नहीं। अरे काहे नहीं आएगी बाबू, इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। ऐसे लिखो, इसी को ऐसे लिखो, ये चौथी इक्वेशन। दीज आर द फोर फंडामेंटल इक्वेशन विच समराइजेस द होल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। उम्मीद सीरीज को जब भी मैं अलविदा कहूंगा, मैं जाके अपनी बॉडी पे इन्हीं का टैटू कराऊंगा नेक्स्ट। तो चार इक्वेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होना चाहिए, पीछे करवाऊंगा बैक पे, मजा ही आ जाएगा एकदम। ये तो होनी चाहिए भाई, बड़ी खूबसूरत इक्वेशन है। ठीक है चलो, इतना समय मिले पहले चलो। बेटा एनडीए आ रहा है ना, डेट तो बताई गई थी एनडीए की आपको, क्लियर है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अब लोग आ गए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, जो आप पढ़ने आए हो। मास्टर अभी तक क्या पढ़ा रहे थे, अभी तक डिस्प्लेसमेंट करंट, मैक्सवेल्स इक्वेशंस आपको पढ़ा रहे थे, जो इसी चैप्टर का पार्ट है। अब आइए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। चलो, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा बेटा, चार्ज एट रेस्ट कौन सी फील्ड बनाता है? एक चार्ज रेस्ट पे है, एक चार्ज रेस्ट पे है बेटा, ये कौन सी फील्ड बनाएगा? क्या ये मैग्नेटिक फील्ड बना पाएगा? चार्ज एट रेस्ट में करंट तो होगा नहीं, चार्ज एट रेस्ट में करंट तो होगा नहीं, रेस्ट पे है चार्ज, जब चलेगा तब करंट होगा भाई। तो चार्ज एट रेस्ट कौन सी फील्ड बनाएगा? सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा मास्टर। ओके बच्चों, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। भैया चार्ज चलता तो करंट बनता, तो मैग्नेटिक फील्ड बनती। अच्छा, चार्ज इन मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अच्छा, चार्ज इन मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है बेटा। जब कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चला, इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाएगा ही बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा क्या? भैया चार्ज चलेगा तो करंट बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा क्या? यस, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। चार्ज चला तो करंट बना, करंट से मैग्नेटिक फील्ड। खास बात यह बेटा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बनी है, ये कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, ये टाइम वेरिंग नहीं मिली। कैसी नहीं मिली? टाइम वेरिंग नहीं मिली। चार्ज एट रेस्ट बनाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज इन मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी बनाता है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। चेंजिंग नहीं है, और जब तक चेंजिंग नहीं है एक दूसरे को बना नहीं पाएंगी। जब तक चेंजिंग नहीं है तब तक बालक ये एक दूसरे को बना नहीं पाएंगी, और जब तक एक दूसरे को बना नहीं पाएंगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं बन पाएगी। तो भैया अगली कहानी आई, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। एक चार्ज पार्टिकल जो एक्सेलरेट कर रहा हो, जिसकी वेलोसिटी चेंज हो रही हो, जो ऐसे चम कर रहा हो, एक्सेलरेटेड भी लिखा होता है कई बार, ऑसिलेटेड भी लिखा होता है, ऑसिलेशन, ऑसिलेटिंग ये भी लिखा होता है कई बार, ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल। बेटा ऑसिलेटिंग, बेटा जब ऑसिलेशन होता है तो एक्सेलरेशन होता है, हाँ या ना? अरे हाँ या ना भाई, ऑसिलेशन मतलब जरा सोचो, SHM होता है ऑसिलेशन, हाँ होता है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन, यही तो है ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ऑसिलेशन का सबसे सिंपलेस्ट पार्ट है ना, सबको याद है, ऑसिलेशन का सबसे बेसिक है। ऑसिलेशन में एक्सेलरेशन होता है, यस सर, ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो बेटा आपके पास एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल हो या ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल हो, इससे बनती है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, इससे बनती है बेटा मैग्नेटिक फील्ड। बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है? टाइम वेरिंग होती है, समय के साथ चेंज होती है। अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विल प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू द चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। सही बात है, a changing electric field will produce a magnetic field and the magnetic field produced will be perpendicular to the electric field। ye ho gayi apni baat, khatam ho chuki hai।
now a changing magnetic field will produce an electric field and the electric field will be perpendicular to magnetic field. तो ये बेटा ये कहानी स्टार्ट हो गई है और यही इलेक्ट्रिक फील्ड यूं वेरी कर रही है, मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड यूं वेरी कर रही है मान लेते हैं, और वेव यूं आगे निकल जाएगी. क्लियर हुआ? ये हुई जेड कैप, ये हुई आपकी के कैप, जे क्रॉस के आई कैप में चली गई वेव. ठीक है, एक बार एक बच्चे ने इस पर भी क्रिटिसाइज कर दिया था, कहा था वेव का डायरेक्शन गलत है, तो ई क्रॉस बी से आता है. ठीक है, वो आगे पढ़ लेंगे, अगर मैं गलत दौड़ जाऊं तो बताना. तो ये हुआ, तो बेटा ये बन गई आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. किससे बनती है याद रखना है, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल से बनती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आगे भाई साहब, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज रेडिएटेड या प्रोड्यूस्ड बाय एन एक्सेलरेटेड और ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल, कोई नई बात नहीं है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज रेडिएटेड या प्रोड्यूस्ड बाय एन एक्सेलरेटेड और ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट्स इन स्पेस थ्रू ऑसिलेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन. क्या सभी को यह बात पता होती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है? इलेक्ट्रिक वेव यूं ऑसिलेट करती है, मैग्नेटिक फील्ड यूं ऑसिलेट करती है और वेव यूं जाती है, है ना? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट्स इन स्पेस थ्रू ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन. ये वाला डांस मैं पहले भी कर चुका हूं आप लोग के सामने, प्रस्तुत करता हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ये डांस. बेटा इस तरफ प्लस आई कैप है, पहले से बता दूं, कहीं आपका माइनस आई कैप तो नहीं है, या इस तरफ प्लस आई कैप है? अब ठीक है, पर इसके हिसाब से फिर गलत हो जाएगा. मान लेते हैं ये प्लस एक्स डायरेक्शन है, इस बार बोल दे रहा हूं, पिछली बार मेरे डांस में कमी निकाली थी तुमने. ये प्लस एक्स डायरेक्शन है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेटिंग, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेटिंग एंड द वेव इज गोइंग लाइक दिस. क्लियर हुई बात? इलेक्ट्रिक फील्ड यू ऑसिलेट करिए, इससे मैग्नेटिक फील्ड बनी, इसके परपेंडिकुलर, और बेटा एक चीज और, दोनों ना सेम फेज में होती है एक साथ, क्लियर? दोनों सेम फेज भी होती है एक साथ अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे और एक साथ जीरो. और वेव यूं चली, ठीक है? और फिर से बोल दूं, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन था, जे क्रॉस के प्लस आई. ठीक है, since the oscillation of electric and magnetic field occur perpendicular to direction of wave propagation, EMW is a transverse wave. But a transverse wave kya hoti hai? Yaad hai? In which the oscillation of particle is perpendicular to the direction of wave propagation. Bhaiya do tarah ki wave hoti hai, transverse and longitudinal, do hi tarah ki hoti hai. To ye transverse kyun hai beta? In which the oscillation of particles is perpendicular to the direction of wave propagation. इसमें यही हो रहा है, वेव यूं प्रोपोगेट कर रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड यूं वाइब्रेट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड यूं वाइब्रेट कर रही है, यानी ऑसिलेशन इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन. है कि नहीं बेटा? वेव यूं जा रही है, राइट सर. इलेक्ट्रिक फील्ड यूं ऑसिलेट कर रही है, राइट सर. मैग्नेटिक फील्ड यूं ऑसिलेट कर रही है, द ऑसिलेशंस आर परपेंडिकुलर. बेटा ये एक डायग्राम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, इसमें आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड y एक्सिस पे ऑसिलेट कर रही है, सभी को दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा y एक्सिस पे ऑसिलेट कर रही है, यस मास्टर. मैग्नेटिक फील्ड बेटा ये लाल वाली मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, ये आप देखो z एक्सिस पे ऑसिलेट कर रही है, और बेटा वेव किधर जा रही है? x एक्सिस पे. वेव किधर जा रही है? ये एक बच्चा एक ही कमेंट सारे वीडियो, इतनी मेहनत, ये एक ही कमेंट सारे वीडियो में किया है, हर एक कमेंट के रिप्लाई में एक ही कमेंट. बोर नहीं होता तुम? पैसा अच्छा मिला होगा, ये भी हो सकता है क्या? ये भी हो सकता है, एक ही कमेंट है. ऐसा नहीं कि हर बार कुछ नया लाता हो, हर जगह. तो बेटा B कहां है आपकी? Z एक्सिस में. और वेव किधर जा रही है? X में. भाई बात जाहिर है, मैंने भी तो यही किया, इलेक्ट्रिक फील्ड Y में, मैग्नेटिक फील्ड Z में, और वेव चली X में, मैंने भी तो यही किया, इन्होंने भी यही किया. अब इसमें दो तीन बातें अपने को ध्यान देने वाली है. प्रथम बात,
इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द वेव वेलोसिटी। सभी को ये बात समझ में आती है, ट्रांसवर्स वेव। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, सभी को ये बात पता है, हाँ ये हर ये एक ही कारण लगता है। इसको सौ में पूछते खाना खाओगे बेटा उठ गए, इसकी बंदी मैसेज करती होगी, हाय क्या कर रहे हो। चलो भाई, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इससे दिक्कत क्या होती होगी, उनको भी दिक्कत होगी जिस दिन वो पैसा डिलीवर करने आते होंगे। हेलो दिवाकर यादव बेटा, दिस इज योर मनी। बेटा इधर नहीं, उधर करना है। अरे बेटा उधर। बेटा इधर। सर आप अपना अकाउंट नंबर दे दीजिए, आपने बढ़िया स्पैमिंग की है सामने वाले जगह, ये लीजिए अकाउंट नंबर, है ना, अपना अकाउंट नंबर दीजिए। अरे इसको पैसा कैसे दे यार, इसके मुंह पे लाके पैसा डाल दो आप। चलो दूसरी इंपॉर्टेंट बात, क्रिटिसाइज करो पर कुछ पॉइंट तो, तुम्हारे पास पॉइंट ही नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अब चलो पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, चलो सब लोग पढ़ते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, आय हाय हाय, ई एंड बी रीच देयर मैक्सिमा टुगेदर, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, मैक्सिमा एंड मिनिमा टुगेदर। बेटा एक साथ ये अपने अपने मैक्सिमा पे पहुंचते हैं और एक साथ अपने मिनिमा पे, एक साथ मैक्सिमा एक साथ मिनिमा। इसका मतलब ई एंड बी आर इन फेज, बेटा सिंगड एकदम सेम फेज में, मास्ट आर इन सेम फेज। तीसरी बात बेटा, डायरेक्शन ऑफ वेव वेलोसिटी या डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन जो कह सकते हो, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बोल देते हैं बेटा, जिधर वेलोसिटी होगी उधर वेव प्रोपोगेट करेगी। क्लियर है बेटा, ठीक है। सो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, बेटा वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है ई क्रॉस बी। कभी भी बी क्रॉस ई मत करना, ई क्रॉस बी, ध्यान देना इस चीज पे। सबको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होती है और वेव उसके परपेंडिकुलर मूव करती है, ये बात सबको पता है, राइट? बट परपेंडिकुलर में भी एक डायरेक्शन होगा, क्या ई क्रॉस बी, यू कैन नॉट टेक बी क्रॉस ई, गलत हो जाएगा। जरा यहां पे देखते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, सभी लोग देख के बताएं बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, वाई एक्सिस। तो इसको मैंने लिख लिया जे कैप, वाई एक्सिस पे है, हा है, तो इसको जे कैप। मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है बेटा, जिस टाइम ये पॉजिटिव वाई में जाएगा उस टाइम ये पॉजिटिव जेड में, और जिस टाइम देखो ये नेगेटिव वाई में जाएगा उस टाइम ये नेगेटिव जेड में, क्योंकि इन लोग सेम फेज में है बेटा। जब ये ऊपर चले तो ये भी आगे चले, जब ये यहां है तो दोनों जीरो पे, फिर उन्होंने कहा हम नीचे जाएंगे, उन्होंने कहा हम इधर जाते हैं, समझ रहे हो? हाँ नहीं समझे, दे धीमे धीमे बेटा, धीमे धीमे आता है जीवन में सब कुछ। मैग्नेटिक फील्ड जरा देखो किधर है, ज्यादा बातचीत नहीं, मैग्नेटिक फील्ड बेटा जेड में है, यानी के कैप। तो बेटा डायरेक्शन ऑफ वेव क्या होगा, ई क्रॉस बी यानी जे क्रॉस के। बेटा जे क्रॉस के क्या होता है, सभी को पता होगा, आई कैप यानी एक्स एक्सिस। क्लियर, दिख भी रहा है, क्लियर? क्लियर। नेक्स्ट बेटा फोर्थ, द ई एंड बी, द टोटल एनर्जी इज शेयर्ड इक्वली अमंग इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा दोनों के पास बराबर बराबर की एनर्जी होती है, बराबर का डिस्ट्रीब्यूशन है, इनके पास मान लो x अमाउंट ऑफ एनर्जी तो इनके पास भी x अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्लियर? टोटल एनर्जी 2x हो जाती है, क्लियर है? मान लो इसके पास x, इसके पास भी x, टोटल एनर्जी 2x, तो एनर्जी इज इक्वली शेयर्ड। ये चार बातें याद रखेंगे, याद हो गई सर? चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल फेज वन 2016, सभी लोग जवाब देंगे बच्चों। आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विच वन कैन बी यूज टू प्रोड्यूस अ प्रोपोगेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जल्दी से बताएं बच्चों, प्रोपोगेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
प्रोपोगेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, प्रोपोगेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, प्रोपोगेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बी 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 एक्सेलरेटिंग चार्ज, राइट, ऑसिलेटिंग चार्ज या एक्सेलरेटिंग चार्ज, एक ही बात है, शाबाश। नेक्स्ट, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज पैरेलल टू द वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज पैरेलल टू, बताएं बच्चों, क्वेश्चन फिफ्थ का ऑप्शन, फिफ्थ का भी बी है बेटा, ई क्रॉस बी, एकदम सही, वेलोसिटी किसके पैरेलल है, ई क्रॉस बी, एकदम सही बच्चों, है ना, वी किसके पैरेलल है बेटा, ई क्रॉस बी। नेक्स्ट 2011, बताओ भाई, द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद एन ईएम वेव प्रोपोगेटिंग अलोंग द पॉजिटिव जेड एक्सिस, प्रोपोगेटिंग अलोंग द पॉजिटिव जेड एक्सिस, बताए बच्चों, एक मिनट मोबाइल देख लूं, खुफिया प्रोजेक्ट पे काम चलता हुआ, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। चलो 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 चलो, हाँ भाई, अच्छा, सारी सारी, द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद ईएम वेव, तो बेटा ईएम वेव किधर जा रही है, ईएम वेव किधर जा रही है, वेव की वेलोसिटी किधर है बेटा, पॉजिटिव जेड एक्सेस, पॉजिटिव जेड मतलब के कैप में जा रही है, तो बेटा के कैप कैसे आएगा, आई जे के, तो बेटा ये कहां से आना चाहिए, वेलोसिटी कहां से आनी चाहिए, ई क्रॉस बी, बेटा के कैप कैसे आता है, के कैप कैसे आता है, जे क्रॉस के से, जे क्रॉस के, यानी ये होगी जे में, ये होगी के में, खेल खत्म। अरे यार क्या ही बोल रहा हूं मैं, मेरा दिमाग खराब हो गया, क्या मोबाइल देख लेते हो मास्टर बीच में, हाय हाय हाय, बेटा के कैप पे आना है, माफ करना मुझको, के कैप कैसे आएगा, आई क्रॉस जे, तो बेटा ये आई में, ये जे में, तो पहला ऑप्शन देखो ना, I क्रॉस J, K कैप, K क्रॉस I, ये J कैप, ये तो गलत हो गया, J क्रॉस I माइनस K कैप गलत हो गया, J क्रॉस K, I कैप ये भी गलत हो गया, क्लियर सभी को, A, A बेटा A, नहीं बेटा D नहीं है, J क्रॉस K, बेटा जी J क्रॉस K से आई कैप आएगा बेटा, वेव किधर जा रही है, के कैप में, रट के मत चलो, दिमाग से चलो। नेक्स्ट 2018, बेटा वेव किधर जा रही है, ईएम वेव प्रोपगेटिंग अलोंग द पॉजिटिव जेड एक्सिस, पॉजिटिव जेड में जा रही थी बेटा, के कैप में, तो के कैप कैसे आएगा, आई क्रॉस जे से आएगा, तो ये डेफिनेटली आई में होगा, ये डेफिनेटली जे में होगा, आई क्रॉस जे से के आया, कैसी बात कर रहे हो मुन्ना, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, 2018 क्या है, एन ईएम वेव इज प्रोपोगेटिंग इन अ मीडियम विद अ वेलोसिटी वी इज इक्वल्स टू वी आई कैप, ओके वेव जा रही आई कैप, द इंस्टेंटेनियस ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, द इंस्टेंटेनियस ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अलोंग प्लस वाई, प्लस वाई का मतलब जे कैप,
देन द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? तो बेटा E क्रॉस B से वेलोसिटी का डायरेक्शन आना चाहिए, वेलोसिटी का डायरेक्शन यानी आई कैप आना चाहिए। तो बेटा आई कैप कैसे आएगा? आई जे के, और ई किधर है बेटा? जे कैप। तो जे क्रॉस क्या कर दें? जे क्रॉस के कर दें, काम बन जाएगा। तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होगी, के डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव जेड में। सभी का आ गया? आई कैप चाहिए आपको ई क्रॉस बी से, ई जे में दिया है, बी पता नहीं, तो जे क्रॉस क्या करे भैया? जे क्रॉस के करे तो आई आएगा। क्लियर? बहुत बढ़िया। इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, आओ बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन। हमने मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड किस में ऑसिलेट कर रही है? वाई में। मैग्नेटिक फील्ड मान लेंगे जेड में, और वेव चल रही है एक्स में। हमने ये वाली वेव मांगनी है, ठीक है? हमने कौन सी वेव मानी है? हमने वो वेव मानी है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड किस में है? वाई में है। मैग्नेटिक फील्ड किस में है? जेड में है। और वेव किस में चल रही है? एक्स में चल रही है ना। कोई डिफरेंट वेव भी हो सकती है, तो उसके लिए कहानी थोड़ी चेंज हो जाएगी, इक्वेशन थोड़ी चेंज हो जाएगी। मैं बेसिक्स आपको बता दूंगा, तो बेसिक से बात बन जाएगी, बात बन जाएगी, बात बन जाए। चलो बेटा आओ देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन। तो ई इन द वाई डायरेक्शन इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन, बेटा वेव किधर जा रही है? एक्स में। तो लिखोगे साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। बेटा हो सकता हो इसके आगे कहीं जे कैप लिखा हो, तो डरना नहीं। जे कैप लिखा होने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी वाई डायरेक्शन में है। हो सकता हो बेटा यहां पे के कैप लिख दे, डिफरेंट तरह की इक्वेशन हो सकती है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जेड में है। हो सकता हो यहां आई कैप लिख दे, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में है। तो ये सब चीजें वैरी हो सकती है। खैर अभी इस इक्वेशन की बात करें बेटा, ये जे कैप या ये ई वाई बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस में है? इज इन वाई। और बेटा यहां पर यह एक्स बता रहा है कि वेव ट्रेवल्स इन, बेटा इनके बीच में माइनस है मतलब पॉजिटिव एक्स, है ना। इनके बीच में प्लस होता है तो क्या हो जाता है? नेगेटिव एक्स, और दोनों के साइन अलग होते हैं तो पॉजिटिव एक्स। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन, E इज इक्वल्स टू E नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी जे कैप। क्लियर है? क्लियर है? आपके पीछे के बाल मोदी जी जैसे लग रहे हैं। रॉन्ग, मोदी जी के पीछे के बाल मेरे जैसे लग रहे हैं। ओके चलो नेक्स्ट बेटा, मैग्नेटिक फील्ड भी, मैग्नेटिक फील्ड हमने जेड में मानी है। हम उस वेव की बात कर रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में है, मैग्नेटिक फील्ड जेड में है, और वेव पॉजिटिव एक्स में जा रही है। बेटा अलग अलग तरह की वेव बना सकते हैं, सब डायरेक्शन अपने हाथ में है। अपन को पता है कि ई क्रॉस बी से डायरेक्शन बनता है। चलो बेटा मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन, मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में, बी जेड इज इक्वल्स टू बी नॉट साइन, यहां क्या लिखें बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इन सेम फेज इन इलेक्ट्रो में, तो बड़ा फेज तो सेम होगा, फेज तो सेम होगा, यही तो फेज होता है जो साइन के बाद लिखा होता है, फेज तो सेम है। और मैग्नेटिक फील्ड बेटा जेड में है, तो यहां पे चाहो तो के कैप भी लगा सकते हो। सो बी किस में है बेटा? जेड में है। और बेटा वेव किस में जा रही? पॉजिटिव एक्स में। वेव ट्रेवल्स इन पॉजिटिव एक्स। So, दोस्तों वेव ट्रेवल कर रही है हौसलों की उड़ान से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। क्लियर है सभी को दोस्तों? चलो एक लग रहा है के जेड माइनस ओमेगा टी, इतनी जोर से खींच के तुमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मारूंगा ना मैं, शॉक लग जाएगा बेटा। के जेड तब लिखोगे जब वेव ट्रेवल इन जेड डायरेक्शन। एक बच्चे को लग रहा है यहां पर जेड क्यों नहीं लिखा बेटा? यह ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल होता था, आराम सब भूल गए। y is equals to a sin kx minus omega t लिखते थे, इसका मतलब क्या होता था? गुस्सा तो करेंगे, ये एक्सेप्टेबल नहीं है साहब। बेटा y मतलब क्या होता था? कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल y में हो रहा है पर वेव x में चल रही है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड z में हो रहा है पर वेव x में चल रही है। आया, यही तो लिखते थे ना वेव इक्वेशन में, y is equal to a sin kx minus omega t। इसका मतलब था पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट y में है पर वेव तो x में चल रही है, तो वही चीज यहां पे भी है। मैग्नेटिक फील्ड का डिस्प्लेसमेंट z में है पर वेव x में चल रही है। बेटा यहां जो लिखा है उससे पता चल रहा है वेव किधर चल रही, कुछ बच्चे कह रहे मास्टर पागल हो गया, थोड़े बहुत अटैक मुझे पड़ रहे हैं, मैं मान रहा हूं इस बात को हम्बली, ठीक है। क्या
बेटा, बोला फैन क्लब वाले छोड़ेंगे नहीं, अलग सर हो गए पागल, ये भी बोल दिया। बेस्ट टीचिंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला, मैं ये भी तो बोल रहा हूँ, द बेस्ट प्लेटफॉर्म इज PW। ये करो ना यार, तुम लोग कहाँ भी जाता है पेड़ हो, तुम लोग कुछ हरकतें तो ऐसी करो पेड़ वाली, मेरी लगाने में लगे रहते हो हमेशा, कभी हरकत भी ऐसी नहीं करते होगे। चले आगे बढ़े, नेक्स्ट 2007-1994। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर इन अपोजिट फेज एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इन अपोजिट फेज एंड पैरेलल टू ईच अदर, इन फेज एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इन फेज। बताए बच्चों सभी लोग, यस कौशल, यस वी वांट टू नो द आंसर, राइट राइट, सीज द, यस सीज द आंसर, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इन फेज एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट। नेक्स्ट बच्चों 2010 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बेटा क्या चीज फॉल्स है, बेटा ट्रू नहीं फॉल्स बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बोथ इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स अटेन द मैक्सिमम मिनिमा एट द सेम प्लेस एंड सेम टाइम, ट्रू। द एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डिवाइडेड इक्वली बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स, ट्रू। Both electric and magnetic field vectors are parallel to each other. Both electric and magnetic fields are parallel to. Both electric field and magnetic field are parallel. No, गलत है ये. Parallel कहाँ होते हैं? Perpendicular to each other and perpendicular to the direction of. बेटा ये गलत हो गया. False. The waves do not require any material. ये तो true है ना? They can travel without any medium. तो cross क्यों लगा रहा हूँ? इसी पे tick लगाऊंगा. ये answer है अपना. C. सभी को आ गया? C C C C. Next बेटा. 2009 क्वेश्चन नंबर 10, मुझे माफ करना, 2009 क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन अ मीडियम इज रिप्रेजेंटेड बाय ई एक्स इज इक्वल जीरो, ई वाई इज इक्वल्स टू इतना और ई जेड इज जीरो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में, इतना क्या ड्रामा कर रहे हैं, बोल रहे हैं भैया ई एक्स जीरो है, अच्छा भैया ई जेड जीरो है, अच्छा भैया हाँ भाई एक ही डायरेक्शन में होगी फील्ड, ई वाई डायरेक्शन में, अच्छा ई इन दी वाई डायरेक्शन 2.5, उसके बाद कुछ लिखा है कॉस 2π इंटू, लिखने की जरूरत है क्या, 10^6t माइनस पाई इंटू 10^-2x, ये है बेटा। अब क्या क्या पूछ रहा है इसमें बच्चों, इसमें हमसे क्या क्या पूछ रहा है, जरा ऑप्शन पढ़ते हैं समझ में आएगा। ऑप्शन पढ़ के, मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन विद फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, मूविंग अलोंग एक्स डायरेक्शन विद फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ मूविंग, अच्छा मतलब मूविंग चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए, वेवलेंथ चाहिए, आय हाय हाय, ये सब तो अपन तुरंत कर देंगे। बेटा ध्यान से देखें, इनके बीच में माइनस लगा है, तो ये कहीं ना कहीं ओमेगा टी माइनस के एक्स का फॉर्म है बेटा, मतलब दिस इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, वेव का मोशन यहां से पता चलता है, पॉजिटिव एक्स कहां पे, मूविंग अलोंग एक्स डायरेक्शन, सही है मूविंग अलोंग एक्स डायरेक्शन सही है, तो बेटा आंसर इन दोनों में से ही कोई है, मूविंग अलोंग नेगेटिव एक्स गलत हो गया, मूविंग अलोंग वाई गलत हो गया, मूविंग अलोंग वाई तो नहीं समझ रहे हो ना, वेव कहां ट्रेवल करती है इससे समझ में आता है, ये तो ऑसिलेशन बताता है, ई वाई है ना। तो बेटा एक तो ये क्लियर हो गया, इसके बाद क्या है, फ्रीक्वेंसी वगैरह देखनी पड़ेगी इन दोनों के लिए, दोनों में फ्रीक्वेंसी सेम है, वेवलेंथ अलग अलग है, ओके 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 ओके, तो वेवलेंथ चेक कर लेते हैं ना, फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम है, वेवलेंथ में चेंज होगा, तो वेवलेंथ कहां से मिलती है बेटा, के से मिलती है, राइट, सो के इज इक्वल्स टू 2π/λ, बेटा के कितना है इसका, यही तो होगा ना के पूरा, ये हुआ के एक्स ओमेगा टी माइनस के एक्स के, तो के कितना है, पाई इंटू 10^-2 इज इक्वल्स टू 2π/λ, लेमडा बेटा लेमडा, लेमडा इज इक्वल्स टू 2/10^-2, यानी 2×10^-2 बेटा, मतलब लेमडा 2×10^-2 बेटा, अच्छा इधर आई 2×10^+2 हो जाएगा, कितना हो गया 200 meters, और बेटा फ्रीक्वेंसी तो दोनों में सेम ही है, तो ऑप्शन बी ही होगा, क्लियर है सभी को, बी 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 सही है बेटा, सही है, बहुत सही, सभी का आ गया बी 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 बी। पीक वैल्यू ऑफ ई नॉट एंड बी नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की पीक वैल्यू इन एयर और वैक्यूम और फ्री स्पेस, इन एयर और वैक्यूम और फ्री स्पेस बेटा, ई नॉट बटे बी नॉट इज इक्वल्स टू सी, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। दूसरा बेटा, इन एनी अदर मीडियम, इन एनी अदर मीडियम, इन एनी अदर मीडियम, ई नॉट बट बी नॉट इज इक्वल्स टू वी, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम,
ठीक है बेटा। तो E नॉट बटे बी नॉट यानी पीक वैल्यू का बेटा, E नॉट बटे बी नॉट यानी पीक वैल्यू का रिलेशन क्या है बेटा, E नॉट बटे बी नॉट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। भैया वैक्यूम में है तो C के बराबर, किसी और मीडियम में है तो वहां की वेलोसिटी के बराबर। सभी को समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया। सवाल 2012 का, हलवे हलवे सवाल है। द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड, द रेशियो एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेटिंग इन वैक्यूम इज इक्वल टू, बेटो जल्दी से बता दें, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड जल्दी बता बेटो, जल्दी बचो, जल्दी से बचो, जल्दी जल्दबाजी में गलती होती है। द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओ बेटा अपन ने तो ये पढ़ा था E नॉट बटे बी नॉट इज इक्वल टू सी, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, 1/c, 1/ यानी रेसिप्रोकल ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। बोलो कैसा लगा मेरा मजाक, मजा आया सभी को, आया भाई साहब? जेई वाले देख सकते हैं क्या, प्लीज रिप्लाई, अगर उनकी आंखें सही है तो वो देख सकते हैं, मना कहा है, कोई भी देख सकता है बेटा, आपके घर में टॉमी, आप टॉमी को भी दिखा सकते हो, एनीवन कैन सी दिस, हूएवर हैव आईज। चलें क्लियर, ये क्या हो रहा है बेटा, तुमसे गलती हो रही है, E नॉट बाई बी नॉट सी होता है ना, तो बी नॉट बाई E नॉट 1/c होगा कि नहीं होगा? सर मिस्टेक हो गया सर, मिस्टेक, मिस्टेक कर दिया सर, मिस्टेक, गलती से मिस्टेक हो गई सर। आगे बढ़ते हैं बेटा, है ना, टाइम नहीं वेस्ट करते। 2017, चलो सभी लोग जल्दी से आंसर बताओ, चलो भाई। इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ERMS इज 6 वोल्ट पर मीटर, द पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, चले बच्चों इसको सॉल्व करें, टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5, टिक टिक 6, टिक टिक 10, चले बच्चों इसको सॉल्व करें, क्या दिया है बेटा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बेटा रूठे हुए हो तुम मिलके जुदा हो क्यों, 6 वोल्ट पर मीटर है बेटा। क्या मांगा है, द पीक वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, बेटा हमसे बी नॉट की वैल्यू मांगा है, जो रिलेशन बेटा मेरे पास है उसका तो चला गया बेटा, रिलेशन तो खत्म हो गया मेरा, E नॉट बाई बी नॉट इज इक्वल टू सी है बेटा, तो पहले मुझे E नॉट की वैल्यू चाहिए होगी बेटा। ERMS क्या होता है, ERMS क्या होता है, E नॉट बाई रूट टू होता है, तो बेटा यहां से E नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ERMS इंटू रूट टू, राइट, ERMS क्या होता है, E नॉट बाई रूट टू, तो E नॉट क्या हो जाएगा, ERMS इंटू रूट टू, तो बेटा E नॉट की जगह ERMS इंटू रूट टू अपॉन बी नॉट इज इक्वल टू सी, बेटा खेल खत्म हो गया, ERMS की वैल्यू 6 रूट टू अपॉन बी नॉट इज इक्वल टू सी इज 3 इंटू 10 की पावर 8, 3 1 3, 3 2 6, बेटा बी नॉट इधर चला गया, 2 रूट टू 10 की पावर 8 इधर आया, कितना हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 8, बोलो सही है, बी नॉट इधर गया, 10 की पावर 8 बेटा, 2 root 2 की वैल्यू, ये रूट टू कितना होता है, 1.414 ले लेते हैं यार, अप्रॉक्स वैल्यू मैच कर जाएगी, सो 2 4 8, 2 1 2, 2.8 इंटू 10 की पार माइनस 8 टेस्ला, तसला, सभी का आ गया तसला भी, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चों, अब मंजिल दूर नहीं साथियों, चलो बेटा नेक्स्ट सवाल 2012 क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय ई इज इक्वल्स टू आई कैप, देखो ये क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आई डायरेक्शन में है, आई कैप 40 कॉस KZ माइनस 6 इंटू 10 टू द पावर 80, बेटा ये वेव किस में चल रही है, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में चल रही है, ये वेव किस में चल रही है, पॉजिटिव एस डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन में चल रही है, क्लियर हो, ये वेव किस में ट्रेवल कर रही है, पॉजिटिव जेड में, और इलेक्ट्रिक फील्ड किस में वाइब्रेट कर रही है, आई में, खैर सवाल ये नहीं है, सवाल क्या है, द वैल्यू ऑफ वेव वेक्टर के, द वैल्यू ऑफ वेव वेक्टर के, बेटा हमसे इस के की वैल्यू पूछ रहा है, दे आस्किंग द वैल्यू ऑफ दिस के, बेटा ये के क्या होता है, ये वेव किस में ट्रेवल कर रही है, वेव ट्रेवल इन पॉजिटिव जेड, राइट, वेव ट्रेवल इन पॉजिटिव जेड बच्चों, तो बेटा k की वैल्यू पूछ रहा है, k क्या होगा बेटा, 2 पाई बटे लेमडा,
राइट बेटा, लेमडा हमें पता नहीं। यस सर, नहीं पता, नहीं पता। बेटा वेव किस में ट्रेवल कर रही है? वैक्यूम। के कैसे निकालूं मैं? लेमडा नहीं पता मुझे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेटा वैक्यूम में, वैक्यूम में। बेटा आप लोग को ये फॉर्मूला याद है, वी इज इक्वल्स टू एफ लेमडा। अपनी जब क्लास 11 की वेव पढ़ी थी ये बात हुई थी, बचपन से हो रही यार। वी इज इक्वल्स टू एफ लेमडा। स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? सी। सी इज इक्वल्स टू एफ लेमडा। लेमडा इज इक्वल्स टू सी बाई एफ। लेमडा इज इक्वल्स टू सी बाई एफ। लेमडा इज इक्वल्स टू सी बाई एफ। तो बेटा के इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ, क्या बन गया? ओमेगा अपॉन सी। अरे यार 2 पाई एफ क्या होता है यार? 2 पाई एफ क्या होता है? ओमेगा होता है, ओमेगा अपॉन सी। बेटा ओमेगा क्या है इसमें? देखो ये क्या है, के जेड माइनस ओमेगा टी। ये रहा ओमेगा, 6 इंटू 10 की पावर 8। और ये सी क्या होगा? 3 इंटू 10 की पावर 8। बेटा खेल खत्म, वैल्यू कितनी आ गई? 2। क्लियर? क्लियर? क्लियर है? बहुत बढ़िया, सब बस। चलो नेक्स्ट, परमिबिलिटी एंड परमिटिविटी ऑफ मीडियम। परमिबिलिटी बेटा याद है, परमिबिलिटी म्यू, और परमिटिविटी याद है एप्सिलॉन। जब वैक्यूम में जाते थे तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। परमिबिलिटी इज म्यू, परमिटिविटी इज एप्सिलॉन ऑफ मीडियम इन एयर वैक्यूम या फ्री स्पेस। तो बेटा एयर वैक्यूम या फ्री स्पेस में सी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन। C is equals to 1 upon under root mu naught into epsilon naught. ये किस में बेटा? एयर में, वैक्यूम में या फ्री स्पेस में। स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोल सकते हो, है ना? लाइट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम। C is equals to 1 upon mu naught epsilon naught। फिर क्या है बेटा? इन एनी अदर मीडियम, अगर किसी और मीडियम में चले गए तो बेटा v स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम इज इक्वल्स टू c अपॉन अंडर रूट रिलेटिव परमिबिलिटी, रिलेटिव परमिटिविटी। बेटा रिलेटिव परमिटिविटी डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। यस, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन एनी अदर मीडियम, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन एनी अदर मीडियम इज इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट म्यू आर रिलेटिव परमिबिलिटी इनटू ई आर रिलेटिव परमिटिविटी, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्लियर? यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्लियर है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्लियर? चलो बेटा वैक्यूम में क्या है? C इज इक्वल्स टू 1 बाई अंडर रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। और दूसरे मीडियम में क्या है? V इज इक्वल्स टू C अपॉन अंडर रूट म्यू आर इंटू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। म्यू आर रिलेटिव परमिबिलिटी, एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी। इसको डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट भी बोल सकते हैं। क्लियर? याद रखेंगे ER क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी। इसको अपन डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन इन अ मीडियम ऑफ परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट एंड परमिटिविटी म्यू नॉट इज गिवन बाय, पता है सभी लोग, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन द मीडियम ऑफ परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट एंड परमिबिलिटी म्यू नॉट इज गिवन बाय। सभी ने बोला ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, 1 बाय अंडर रूट म्यू नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? क्लियर?
चूजा। एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, आओ बेटा, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पहला एनर्जी डेंसिटी, एवरेज एनर्जी डेंसिटी, द इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी एवरेज, एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, सुनाई पड़ रहा है, इज इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर। दूसरा, द मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी एवरेज वैल्यू 1/4 बी नॉट का स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। यहां से थोड़ी सी बोरिंग कहानी चलेगी थोड़ी देर, उसके बाद फिर मजा आएगा। 1/4 बी नॉट का स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड में एवरेज एनर्जी डेंसिटी, एवरेज एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एवरेज एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना है रे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये इसका, ये एनर्जी नहीं है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है और उसकी भी एवरेज वैल्यू है बेटा, एवरेज। खास बात क्या है, खास बात बेटा, बराबर होती हैं दोनों वैल्यूज, दीज बोथ आर इक्वल, यू टोटल, बेटा ये भी टोटल एनर्जी नहीं है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की ही बात होगी यहां, यू टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू यू ई प्लस यू बी। अब बेटा यू ई यू बी बराबर है तो इट कैन बी इक्वल टू 2 times ऑफ यू ई, दैट इज 2 से मल्टीप्लाई करो, हाफ, एंड इट कैन बी इक्वल टू 2 times ऑफ यू बी, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, टेक योर टाइम, इस चीज को अपने दिमाग में उतारें, इस चीज को अपने दिलो दिमाग में उतारें, टेक योर टाइम, वन बाई फोर की जगह विधि वाजपेयी, सर आई थिंक 1/4 की जगह 1/2 होना चाहिए, विधि वाजपेयी, यू थिंक रॉन्ग, डोंट थिंक, हाफ बेटा यहां होता है ना, वहां एवरेज की बात हो रही है, कैसे बताएं क्यों तुझे को चाहे यारा बताना पाई, टोटल की बात हो रही है ना, तब टोटल में ये आता है, वाजपेयी साहब हमने आपके सवाल का जवाब दे दिया है, हमें मजबूर ना करें आप, बच्चा पूछ रहा हाउ टू स्टडी हार्ड, HARD हार्ड ऐसे स्टडी करते हैं इसको। मेरा टोटल एनर्जी देखो फिर से बताता हूं, UE की एवरेज वैल्यू क्या है, UE की एवरेज वैल्यू है 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर, UB की एवरेज वैल्यू क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की एवरेज एनर्जी कितनी है 1/4 अगेन B नॉट का स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। मेरा टोटल एनर्जी क्या है, UE प्लस UB, और ये दोनों बराबर है तो आप 2 times ऑफ UE या 2 times ऑफ UB लिख सकते हो, इसका डबल करेंगे बेटा तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर, और इसका डबल करेंगे 1/2 बी नॉट का स्क्वायर बाय म्यू नॉट। क्लियर, हाँ देता हूं ब्रेक, थोड़ा तो पढ़ लो भाई, इसको हटा देता हूं स्पेस से, मिलके भी हम ना मिले तुमसे न जाने क्यों, अनजाने
सिलसिली तुमसे न जाने क्यों हो, किसी बताए क्यों तुझको चाहे यारा बता ना पाए, बातें दिलों की देखो जो बाकी। हो गया, बता दे दिया बेटा भाई, ये पेज ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ चाहो तो रिवाइज कर लो, तुम्हें याद हो जाएगा कि नहीं, देखने लो रिवाइज। चलो पहले मुझे बताओ, यू ई एवरेज एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो स्टोर्ड है पर यूनिट वॉल्यूम कितनी है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर। बेटा इसी तरह से एवरेज एनर्जी जो मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर्ड है पर यूनिट वॉल्यूम कितनी है, 1/4 बी नॉट का स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। बोलो सही है, अब बेटा फिर मैंने क्या बोला, दोनों बराबर हैं, है ना, और दोनों बराबर हैं, और दोनों क्या है बेटा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, यह भी बात हो गई अपनी। फिर इसके बाद क्या बात हुई बालकों और बालिकाओं, इसके बाद बात हुई यू टोटल की, और यू टोटल क्या होता है, यू ई प्लस यू बी होता है, और साथियों यू और यू बी बराबर है, तो इसको हम 2 times of UE या 2 times of UB भी लिख सकते हैं, और 2 times of UE करेंगे साथियों तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर आएगा, और 2 times of UB करेंगे तो 1/2 बी नॉट का स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट आएगा। तो साथियों हमें ये चीज़ अब समझ में आ गई है। साथियों ब्रेक मिलेगा पर थोड़ी देर बाद साथियों सवाल करेंगे। ड्यूरिंग द प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन अ मीडियम, बताएं बताएं बच्चों, ऑप्शन ए इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू दी मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, बोथ इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी आर जीरो, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी डबल, क्लियर है ऑप्शन ए, सभी का आ गया ए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, द मैग्नेटिक फील्ड इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाई बी इज इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, जैसे भी लिखा है। फाइंड एवरेज एनर्जी डेंसिटी करिस्पॉन्डिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या मांग रहा है, फाइंड दी एवरेज एनर्जी डेंसिटी करिस्पॉन्डिंग टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, बताएं एवरेज एनर्जी, साउंड नहीं है क्या, अभी तो है, होए होए, अभी तो आ रहा है साउंड, करिस्पॉन्डिंग टू, मस्त आवाज आ रही है, बड़ी मार लगाएंगे तुमको हम। हाँ क्या है, द मैग्नेटिक फील्ड इन प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन एज बी इज इक्वल्स टू बी नॉट साइन, फाइंड द एवरेज एनर्जी डेंसिटी करिस्पॉन्डिंग टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, हमसे पूछा है यू ई एवरेज। बेटा मुझे कहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई चांसेस नहीं दिख रहे, मुझे इक्वेशन दिख रही है मैग्नेटिक फील्ड की, तो एक काम करते हैं बेटा, यू ई एवरेज इज इक्वल टू यू बी एवरेज भी तो होता है, हाँ मास्टर, तो इसको निकाल देते हैं, ओके मास्टर, 1/4 बी नॉट का स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, सो 1/4 बेटा बी नॉट कितना है, बी इज इक्वल टू बी नॉट साइन, बेटा ये बी नॉट है 200 माइक्रो टेस्ला, यानी 200 × 10⁻⁶ का स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। बेटा म्यू नॉट क्या होता है, म्यू नॉट बाई 4π होता है 10⁻⁷, तो म्यू नॉट हो जाएगा बेटा 4π × 10⁻⁷, खत्म बेटा खेल, इसी को सॉल्व करना है और कुछ नहीं, दैट यू कैन डू, यू ई की एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू यू बी की एवरेज वैल्यू, जो अपन निकालने वाले हैं। तो बेटा 1/4 × 200 × 10⁻½ हो जाएगा, और नीचे बेटा क्या है 4π × 10⁻⁷, सही है,
4 1 4 4 5 20 50 4 1 4 5 20 50 ये हो गया बेटा 2500 अपॉन पाई, और बेटा ये ऊपर जाएगा 10^-12 + 7 10^-5 हो जाएगा बेटा। पाई को अपन 3.14 लिख सकते हैं, तो बेटा 3.14 से इसको अगर हम लोग काटे पाए तो 00 हटाओ, 25 अपॉन 3.14 और यहाँ से 00 हटाया तो ये हो जाएगा 10^-3 बेटा। ये 3 8 = 24 कुछ 8 के आसपास, 8 × 10^-3 8 × 10^-3 तो बेटा 8 मिली जूल पर मीटर क्यूब, सही है। 10^-3 क्या होता है, मिली, तुमको मिली कि नहीं मिली, 10^-3 क्या होता है, मिली। और बेटा ये कौन सी एनर्जी है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो देखो इसकी यूनिट क्या आएगी, जूल्स पर मीटर क्यूब, मिली जूल्स पर मीटर क्यूब। क्लियर सभी को, क्लियर है सभी को, यस, शाबाश। नेक्स्ट, इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अगला टॉपिक क्या बेटा, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होता है, यहीं पे ले लेते हैं ब्रेक, है ना, फिर इंटेंसिटी समझेंगे, फिर कुछ फैक्टर्स एक्टर्स समझेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या पढ़ेंगे अपन, प्रॉपर्टीज ऑफ ईएमडब्ल्यू वेव, फिर तो आसान है इसके बाद, या कर लिया जाए इसको बोलो तो, ब्रेक चाहिए, चलो ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक ब्रेक फॉर 12 मिनट्स, ओके। सी यू आफ्टर 12 मिनट, प्यारा बच्चा लोग।
हाँ भाई सभी लोग वापस आ गए। क्या स्कैम है यार, गए थे तो ज्यादा लोग थे, लौट के आए तो कम है। कुछ लोग गायब हो गए। वैसे भी यहाँ से सवाल कहाँ आता है, जितना पढ़ा है तो उसी में से आता है जी। जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से इतने में सही तो आ जाएगा यार। बाकी क्या ही बचा है, अगले साल पढ़ेंगे जी। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे पहुंच गए हम लोग। अब इंटेंसिटी की बात करेंगे। इस पे बोलो, उस पे बोलो, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे बोलूंगा मैं जो पढ़ाने आया हूं। चलो भाई इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बेटा इंटेंसिटी क्या होती है जरा ध्यान समझे। मान ले बेटा यहां से कुछ एनर्जी यूं पास कर रही है, कुछ एनर्जी यूं पास कर रही है, टोटल एनर्जी को हम डिनोट करेंगे बाई कैपिटल ई या कैपिटल यू। अमाउंट ऑफ एनर्जी पासिंग, द अमाउंट ऑफ एनर्जी पासिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड इंटेंसिटी। खेल खत्म। क्या बेटा मान लो यहां से एनर्जी ई पास कर रही, या उसी को अपन कैपिटल यू बोल रहे हैं, कैपिटल यू पास कर रही, द अमाउंट ऑफ एनर्जी पासिंग पर सेकेंड थ्रू यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इज कॉल्ड इंटेंसिटी। मान लो इधर से एनर्जी ऐसे जा रही है, जस्ट इमेजिन इन योर माइंड कि एनर्जी यूं जा रही है। अच्छा सर यूं जा रही है, अच्छा सर यूं जा रही है। मैं कहूं एक सेकेंड के अंदर एक यूनिट क्रॉस सेक्शन से, यूनिट क्रॉस सेक्शन एक मीटर स्क्वायर के एरिया से एक सेकेंड में कितनी एनर्जी पास की, कितनी देर में, एक सेकेंड एनर्जी यूं फ्लो कर रही है बेटा। कैसे ये एनर्जी फ्लो कर रही है, मैं कहूं इस एनर्जी फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एनर्जी यूं फ्लो कर रही, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया रखा एक मीटर स्क्वायर का, इसमें से एक सेकेंड में कितनी एनर्जी पास हुई, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी। बेटा व्हाट इज इंटेंसिटी, इंटेंसिटी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी को बेटा मैंने यू बोला है, इंटेंसिटी को आई, इंटेंसिटी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी पासिंग थ्रू यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया पर यूनिट टाइम, दिस इज इंटेंसिटी। अमाउंट ऑफ एनर्जी पासिंग थ्रू यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया पर यूनिट टाइम, बेटा इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, एसआई यूनिट क्या होगी बेटा, ऊपर बेटा एनर्जी है जूल्स, नीचे एरिया मीटर स्क्वायर टाइम सेकेंड्स। बेटा जूल पर सेकेंड को क्या बोलते हैं अपन, वाट। तो बेटा वाट पर मीटर स्क्वायर, ये किसकी यूनिट होती है, इंटेंसिटी। कहीं पे भी वाट पर मीटर स्क्वायर दिख जाए किसकी यूनिट है, पार की नहीं है, पार पर यूनिट एरिया, दिस इज इंटेंसिटी। क्लियर, वाट पर मीटर स्क्वायर, दिस इज इंटेंसिटी। बेटा अगर हम लोग बात करें ईएमडब्ल्यू की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, ध्यान से देखेंगे, इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर इनटू सी, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। इंटेंसिटी क्या होता है बेटा, इंटेंसिटी क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी पासिंग थ्रू यूनिट क्रॉस सेक्शन इन यूनिट टाइम, यानी एक सेकेंड में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए बेटा इंटेंसिटी किसके बराबर, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर इनटू सी। बेटा एक घंटे का मैक्स टू मैक्स बचा होगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर इनटू सी, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर इनटू सी, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर इनटू सी। क्लियर, ये बेटा जनरल फॉर्मूला, जनरल ये कहीं भी लगा सकते हैं आप। इंटेंसिटी का जनरल फॉर्मूला क्या है, टोटल एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एनर्जी जूल में, टाइम सेकंड में, जूल पर सेकंड बन गया वाट, वाट पर मीटर स्क्वायर। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए स्पेशल फॉर्मूला 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर इनटू सी। पॉइंटिंग वेक्टर और एनर्जी फ्लक्स, बेटा ये क्या होता है, इंटेंसिटी का वेक्टर रिप्रेजेंटेटिव को पॉइंटिंग वेक्टर कहते हैं। ठीक है, पॉइंटिंग वेक्टर क्या है बेटा, इंटेंसिटी को आप वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, एनर्जी किस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, जिस डायरेक्शन में वेव जाएगी।
अगर इंटेंसिटी के साथ हम डायरेक्शन बता दें कि किस डायरेक्शन में एनर्जी जा रही है, तो उसको पॉइंटिंग वेक्टर कहते हैं। सिंपल बेटा, कोई नई चीज नहीं है। इसको आप एनर्जी फ्लक्स भी बोल सकते हो भाई, एनर्जी फ्लक्स भी बोल सकते हो। कितनी पार पर मीटर स्क्वायर, इसको एनर्जी फ्लक्स भी बोलते हैं। व्हाट इज एस बेटा? एस वेक्टर इज नथिंग बट इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन ऑफ वेव। ये वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, इसका मैग्नीट्यूड इंटेंसिटी के बराबर होता है पॉइंटिंग वेक्टर का, या एनर्जी फ्लक्स का, या इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स भी बोला गया है कई बार। पॉइंटिंग वेक्टर, एनर्जी फ्लक्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स कुछ नहीं है, इंटेंसिटी विथ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी। इंटेंसिटी तो बेटा क्या है? स्केलर क्वांटिटी है ना। इंटेंसिटी कैसी चीज है बेटा? इंटेंसिटी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर है ना। पॉइंटिंग वेक्टर क्या है बेटा? इंटेंसिटी और साथ में डायरेक्शन ऑफ वेव, है ना। तो अगर पॉइंटिंग वेक्टर का कोई मैग्नीट्यूड पूछे, इट विल बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी, दैट इज 1/2 एप्सिलॉन नॉट E नॉट का स्क्वायर इंटू सी। 1/2 एप्सिलॉन नॉट E नॉट का स्क्वायर इंटू सी। क्लियर? रिलेशन बिटवीन पार एंड इंटेंसिटी। पार और इंटेंसिटी में क्या रिलेशन है, जरा आराम से समझते हैं इसको बेटा। मान लो अपने पास एक पॉइंट सोर्स है, आराम से समझना, पॉइंट सोर्स है अपने पास, एक पॉइंट सोर्स है। पॉइंट सोर्स है मान लो 100 वाट का बल्ब है अपने पास, 100 वाट का बल्ब, 100 वाट का बल्ब, ठीक है बेटा। 100 वाट का बल्ब का मतलब, 100 वाट के बल्ब का मतलब, मतलब इसमें से 100 जूल्स ऑफ एनर्जी निकल रही है पर सेकेंड। 100 जूल्स ऑफ एनर्जी पर सेकेंड बेटा। पॉइंट सोर्स एनर्जी किधर रेडिएट करता है? स्फेरिकली। मैं पार और इंटेंसिटी में रिलेशन बता रहा हूं, वैसे बहुत आसान है, फिर भी एक बार देख लो, थोड़ा शायद मजा आए। मान लो मेरे पास 100 वाट का बल्ब है, सौ वाट मतलब 100 जूल पर सेकंड की एनर्जी दे रहा है। किस डायरेक्शन में देगा 100 जूल पर सेकंड? सभी डायरेक्शन में, ऐसे है ना, बल्ब ऐसे चमकता है स्फेरिकली, स्फेरिकली है ना, सर्कल बनाया बट स्फीयर, 3D में इमेजिन करेंगे, ठीक है, स्फेरिकली, स्फेरिकली। मान लेते हैं बेटा बल्ब से अपन r डिस्टेंस दूर है, कितना दूर है? r डिस्टेंस दूर है बेटा। मुझे ये बताओ कि यहां पे इंटेंसिटी कितनी होगी? बेटा मुझे ये बताओ यहां पे इंटेंसिटी कितनी होगी, देखते हैं कौन बता पाता है। What will be the intensity over here? Intensity क्या होता है? यहां से कितनी एनर्जी निकली पर सेकेंड पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया? इंटेंसिटी क्या होता है? यहां से कितनी एनर्जी निकली पर सेकेंड पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया? बेटा बल्ब से कितनी एनर्जी निकल रही है? 100 जूल पर सेकेंड। 100 जूल पर सेकेंड कितने एरिया से जा रही है? 100 जूल पर सेकंड कितने एरिया से जा रही है? यहां से भी जा रही, यहां से भी जा रही, यहां से भी जा रही, यहां सब जगह से जा रही है। यानी 100 जूल पर सेकंड इस पूरे स्फीयर से बाहर निकल रही है। कितने में बटी हुई है? 4πr² में बट गई। तो यूनिट एरिया से कितनी निकली? व्हाट इज इंटेंसिटी बेटा? व्हाट इज इंटेंसिटी? इंटेंसिटी इज द एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। बेटा एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या बन गया? पार। हंड्रेड डिवाइड बाई 4πr² एकदम सही है। पार देखो 100 और ये एरिया कितना होगा? 4πr² एकदम सही जवाब बच्चों, बहुत बढ़िया। मैंने पूछा इसमें से कितनी एनर्जी निकली? अमाउंट ऑफ एनर्जी, सुन बेटा एनर्जी यूं तो निकलेगी, यूं निकलेगी, अमाउंट ऑफ एनर्जी पासिंग थ्रू यूनिट क्रॉस सेक्शन
इन यूनिट टाइम। तो बेटा यूनिट टाइम में यहां से कितनी एनर्जी निकल रही है, 100 जूल पर सेकंड, पर ये पूरे 4πr² से निकल रही, पूरे में से 100 जूल पर सेकंड। तो यूनिट एरिया से कितनी निकली, 100 जूल पर सेकंड डिवाइडेड बाई 4πr². यहां से बेटा एक बात हमारे सामने है कि पॉइंट सोर्स से, इसको स्मॉल आर कर देता हूं, कि पॉइंट सोर्स से आर डिस्टेंस दूर पे इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r². किसके लिए बेटा, पॉइंट सोर्स के लिए। पॉइंट सोर्स से आर डिस्टेंस दूर पे इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r². तो बेटा एक पॉइंट और याद रखना, फॉर लीनियर सोर्स बेटा लीनियर सोर्स लोगे सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक, लीनियर सोर्स के लिए सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक, पार अपॉन एरिया में सिलेंडर का कर्व सरफेस 2πrL, लीनियर सोर्स के लिए कैसा एरिया बनाओगे सिमेट्री वाला, लीनियर सोर्स के लिए भाई कई बार गॉस लॉ वगैरह पढ़ चुके हैं, कैसा बनेगा सिलेंडर, तो ये पार सिलेंडर में से निकल रही होगी, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 2πrL, यानी इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। क्लियर, पॉइंट सोर्स के लिए 1/r², लीनियर सोर्स के लिए 1/r। क्लियर है, पॉइंट सोर्स के लिए 1/r² एंड लीनियर सोर्स के लिए 1/r। क्लियर है सभी को, बेटा सिलेंडर बनेगा ना लीनियर सोर्स में, ये शाबाश सिलेंडर बनेगा ये, तो बेटा ये एरिया कितना होगा, पार अपॉन 2πrL, तो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। क्लियर, बहुत बढ़िया सवाल। द सन, सम नहीं द सन होगा, यहां सम लिख गया है, द सन सूर्य, तुम ज्यादा चमको मत, द सन डिलीवर्स 10^4 W/m² 10^4 W/m² ये तो इंटेंसिटी है, वाट पर मीटर स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स, पॉइंटिंग वेक्टर भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स ये पॉइंटिंग वेक्टर भी हो सकता है, वही इंटेंसिटी भी होती है, वैल्यू तो सेम ही है, टू द अर्थ सर्फेस द टोटल पावर दैट इज इंसिडेंट ऑन अ रूफ ऑफ, ये एक रूफ है, हमसे पूछ रहा है टोटल पार, बेटा इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू पार अपॉन एरिया, पार इज इक्वल्स टू इंटेंसिटी इनटू एरिया, 10^4 × 10^2 10^6 यूनिट हो जाएगी वाट। क्लियर है, हलवा सवाल सभी का आ गया, नेक्स्ट बढ़िया सवाल। A red LED emits light at 0.1 watt uniformly around it. बेटा क्या है? A red LED emits light 0.1 watt uniformly around it. बेटा LED light emitting diode है छोटा सा, मान लेते हैं। और कैसा बोला? Uniformly around it. तो बेटा यहाँ पे अपने पास एक red LED है। पार कितनी है इसकी? 0.1 वाट। इमिट्स लाइट एट 0.1 वाट यूनिफॉर्मली अराउंड इट, बेटा यूनिफॉर्मली अराउंड इट। द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, बेटा क्या मांग रहा है? एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे ई नॉट की वैल्यू मांग रहा है। एम्पलीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम वैल्यू ई नॉट ऑफ द लाइट एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द डायोड, कहां पे? ऑफ द लाइट एट अ डिस्टेंस ऑफ
1 meter फ्रॉम द डायोड, बेटा डायोड से 1 meter के डिस्टेंस पे यहां पे पूछ रहा है कि E नॉट की वैल्यू कितनी है, E नॉट की वैल्यू कितनी है। एक काम करते हैं, अपन ने इस तरह का कुछ देखा था अभी इंटेंसिटी निकालने का, बेटा यहां पे आके इंटेंसिटी कितनी होगी इस पॉइंट को अगर अपन कुछ भी दे दे, एक्स नाम दे दे, बेटा इंटेंसिटी एट एक्स इज इक्वल्स टू जो ये पार है डिवाइड बाई ये एरिया 4 pi r square, राइट। इंटेंसिटी एट एक्स पार अपॉन 4 pi r square, एंड वॉट इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बाई लाइट इमिटिंग डायोड, क्या है लाइट इमिटिंग डायोड, बेटा लाइट क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वॉट इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हाफ राइट एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर इनटू सी, इसकी जगह अपन हाफ बस बेटा वैल्यू रख के ई नॉट की वैल्यू निकालनी है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर इनटू सी, पार कितनी है बेटा 0.1 एसआई यूनिट में, 4 पाई रेडियस कितना है बेटा 1 meter, छोड़ देते हैं। अब देखो मैं एप्सिलॉन नॉट को इधर भेज दूं तो 1/4 pi epsilon naught हो जाएगा, जिसकी वैल्यू हमें पता होती है तो इसका इस्तेमाल करेंगे, हाफ ई नॉट का स्क्वायर इनटू सी 0.1 अपॉन 4 pi epsilon naught, अगर epsilon naught को इधर भेज दूं 1/4 pi epsilon naught इज 9 × 10^9, हाफ ई नॉट का स्क्वायर इनटू सी 0.1 अपॉन 4 pi epsilon naught, 1/4 pi epsilon naught 9 × 10^9, बेटा c की वैल्यू रखने का वक्त आ गया, हाफ इंटू ई नॉट का स्क्वायर इंटू 3 × 10^8, 0.1 को 1/10 इंटू 9 × 10^9, बोलो सही है बेटा, 10^8 हटा यहां से, 10^9 हट जाएगा, 1 10 बचेगा, सही है, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, सही है, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, सही है, 3/5 कुछ गलती हुई है क्या, अच्छा एक 10 भी है, 5 × 5 = 10, 3 × 2 = 6, ई नॉट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6, ई नॉट इज इक्वल्स टू रूट सिक्स बेटा रूट सिक्स रूट फोर से बड़ा होगा, ये तो √25 है, ये √49 है, √6 के आसपास की ये वैल्यू होगी, √6 वैल्यू है बेटा, ये सवाल ऐसे जेई का है 2015 जेई मेंस में आया था, एक सवाल मैंने थोड़ा अच्छा ले लिया ये, पर कॉन्सेप्ट पूरा आपको पता था, सिंपल एलईडी बताया, पूछा यहां पे ई नॉट की वैल्यू बताओ, हम बड़े कंफ्यूज भैया ई नॉट ये कैसे बताएं, अरे यार अभी इंटेंसिटी सीखा कि नहीं सीखा, यहां पे इंटेंसिटी सीखा कि नहीं, इंटेंसिटी क्या होगी पार अपॉन 4 pi r square लगा दिया, पार अपॉन 4 pi r square, और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लिखवाया था मैंने हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर इंटू सी, रख दिया, क्लियर है इजी था। मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मोमेंटम चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, ड्यूअल नेचर की बात होने लग गई, ड्यूअल नेचर की बात होने लग गई, वेव के पास तो वेवलेंथ होती है, मोमेंटम तो पार्टिकल का होता है भैया, मोमेंटम तो पार्टिकल नेचर है, है कि नहीं, मोमेंटम तो पार्टिकल का होता है, मास इनटू वेलोसिटी, और ये मोमेंटम मांग रहे हैं वेव का, तो भैया इन दोनों को रिलेट किसने किया था, डी ब्रागली है ना, डी ब्रोय, याद है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, डी ब्रोय हाइपोथेसिस पढ़ा होगा सभी ने, भैया ये कह रहे हैं मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो एक वेव है, वेव का आप मोमेंटम यानी पार्टिकल नेचर किसने जोड़ा था, किसने जोड़ा था, किसने जोड़ा था, डी ब्रोय ने, मैटर वेव, एक्चुअली ये इक्वेशन तो वैसे मैक्स प्लैंक ने दे रखी थी, ये तो वेव का है ना,
इन्होंने तो मैटर वेव बताई थी, ये तो मैक्स प्लैंक की इक्वेशन है। चलो टॉपिक पे आते हैं। एक्चुअली तो मैक्स प्लैंक ने दिया था ना ये, तो उन्होंने तो पार्टिकल की वेव बनाई थी, तो वेव का पार्टिकल बन रहा है ना, प्लैंक कॉन्स्टेंट यही से आएगा मैक्स प्लैंक। तो बेटा क्या कहानी थी, टॉपिक पे आते हैं, क्या कहानी होगी बेटा, मोमेंटम इज इक्वल्स टू एच बाई लैम्डा, एच बाई लैम्डा, मोमेंटम इज एच बाई लैम्डा, और यहीं पे अगर लैम्डा निकालना हो तो एच बाई पी, खत्म, यही तो है, मोमेंटम इज एच बाई लैम्डा, लैम्डा इज एच बाई पी, खत्म। एच बेटा प्लैंक कॉन्स्टेंट सभी को पता होगा, अप्रोक्स वैल्यू एच की 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड्स। यहां पे ये भी आ गया, इनको काट दिया जाएगा। चलो नेक्स्ट, मोमेंटम एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब बेटा एनर्जी की बात कर रहे हैं, एनर्जी ऑफ वेव बेटा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव याद है क्या, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेटा एनर्जी होती है एच इंटू एफ, एफ इज फ्रीक्वेंसी, म्यू भी लिखा होता है, नहीं लेंगे सर तुम्हारा नाम कह रहा है ये रिकॉर्डेड है सर, मेरा नाम लेंगे, तुम्हारा नाम नहीं लूंगा बेटा एच इंटू एफ, एनर्जी का फॉर्मूला एच इंटू एफ बेटा, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, v is equals to f lambda, v क्या स्पीड ऑफ लाइट लगाते हैं, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, c is equals to f lambda, f हो जाएगा c बटे lambda, hc by lambda, ये तो सुनी रखा होगा हर किसी ने, e is equals to h into f या hc by lambda, hc by lambda। अब बेटा इसमें क्या है, अगर आपको एनर्जी चाहिए किसी वेव की, यहां उसकी वेवलेंथ रखो, यहां h की वैल्यू, यहां c की वैल्यू, H की वैल्यू 6.626 10 की पावर माइनस 34, C की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8, और नीचे वेवलेंथ, बहुत लंबी कैलकुलेशन, इसको यूज नहीं करेंगे, इसका मेंटॉस बना हुआ है, दुनिया जहान को पता है इसका मेंटॉस, तो इसका मेंटॉस दुनिया जहान को पता है बेटा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इक्वल्स टू 1240 अपॉन लैम्डा इन नैनोमीटर, और एनर्जी मिलेगी आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, E इज इक्वल्स टू 1240 बेटा, ये अप्रॉक्स वैल्यू होती है। एग्जाम में अगर ये फॉर्मूला दे दे लिख के, मान लो एग्जाम में H की वैल्यू दे रहा है, C की वैल्यू दे रहा है, तब मे भी आपको यहां से प्रोसीड करना पड़ेगा, क्योंकि आंसर में जरा जरा सा डिफरेंस हो। ये अप्रॉक्स फॉर्मूला है, E इज इक्वल्स टू 1240 अपॉन लैम्डा इन, बेटा देखो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, एच इंटू प्लैंक कांस्टेंट टू फ्रीक्वेंसी, और एफ क्या है बेटा, सी बटे लैम्डा, तो एच सी बाय लैम्डा, ये फॉर्मूला है, ये याद रहे, ये वैसे भी याद होगा यार, 11th में एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं तो पढ़ा ही होगा एच सी बाय लैम्डा। अब दिक्कत क्या है, कौन एच की वैल्यू रखे, सी की वैल्यू रखे और ई निकाले, तो इसका शॉर्टकट बनाया गया है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 1240 अपॉन लैम्डा इन नैनोमीटर, और एनर्जी किसमें आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, किसमें आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 400 तब बेटा लैम्डा आप एंगस्ट्रॉम में रखोगे, कुछ बच्चे बोल रहे हैं 1240 बेटा वो भी ठीक है, बट तब आप लैम्डा किसमें रखोगे, एंगस्ट्रॉम में। अब मैं लैम्डा किसमें रख रहा हूं, नैनोमीटर में, क्योंकि एनसीईआरटी आपसे बोलती है भैया लैम्डा नैनोमीटर में याद करो, लैम्डा किसमें बेटा, नैनोमीटर में, अगर ये नैनोमीटर में है तब 1240 तब लगाओगे बेटा, जब लैम्डा किसमें हो, एंगस्ट्रॉम में। बात समझ में आई कि रोबोट जैसा टाइप ही करोगे, अभी भी टाइप ही करेंगे, रोबोट है हम तो रोबोट हैं, ये तो सच है कि सब रोबोट हैं। बेटा रोबोट वाला काम क्यों करते हो ना, बताया ना मैंने बेटा कि 1240 कब लिखना है, कब लिखना है, कब लिखेंगे, जब बेटा इसको हम एंगस्ट्रॉम में करेंगे तब। क्लियर हुई बात। तीसरी इंपॉर्टेंट बात बच्चों, जरा ध्यान से सुने, E इज इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा था, यस सर, लैम्डा बेटा एच बाई पी हो सकता है, यस सर,
एच एच कैंसिल हो जाएगा. यस सर. मोमेंटम इज इक्वल्स टू ई बटे सी. यकीन और उम्मीद विच बैच इज बेस्ट. गौरव मवाजी. वही चीज तुम 10 महीने में पढ़ो, 8 महीने में, वही चीज तुम 2 महीने में पढ़ो, फिर तुम पूछो बेस्ट कौन सा है. इट्स वेरी टफ है ना. क्लियर. E इज इक्वल्स टू एच सी बाई लैमडा. बेटा लैम्डा क्या हो सकता है? एच बाई पी. एच बाई पी लिखा है, एच एच कैंसिल. रैप अप करते तेजी में. E इज इक्वल्स टू पी इंटू सी. पी इज ई बाई सी. बेटा याद रखेंगे, याद रखेंगे. ठीक है मास्टर, याद रखेंगे. आपने कहा तो याद रखेंगे. ठीक है मास्टर, याद रखेंगे. तो बेटा 2-3 फॉर्मूले आए इधर बीच. एक तो लैम्डा आया एच बाई पी, एक एनर्जी आई एच सी बाई लैम्डा, एक उसका शॉर्टकट आया 1240 बाई लैम्डा. लैम्डा रखो, नैनोमीटर में एनर्जी मिले एंगस्ट्रॉन्ग में. एक एनर्जी का ये फॉर्मूला भी है, पी इंटू सी. पी इज इक्वल्स टू ई बाई सी. ये सारी बातें याद रखनी पड़ेगी. ये भी याद रहे भाई, ये भी याद रहे, ये भी याद रहे, और ये भी याद रहे. क्लियर. E इज इक्वल्स टू एच एफ. E इज इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा. लैम्डा की जगह एच बाई पी. एच एच कैंसिल. पी इज इक्वल्स टू ई बाई सी. और ये शॉर्टकट. क्लियर है. चलो नेक्स्ट. चेंज इन मोमेंटम एंड फोर्स एक्सर्टेड ऑन रिफ्लेक्टिंग एंड नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाई ई एमडब्ल्यू. अब क्या है? चेंज इन मोमेंटम एंड फोर्स एक्सर्टेड ऑन रिफ्लेक्टिंग एंड नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस. तो बेटा एक बात करते हैं पहले रिफ्लेक्टिंग सरफेस की. ये मान लो बेटा एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. इससे आके एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टकराई. ये इसका इनिशियल मोमेंटम. बेटा कैसा है ये? रिफ्लेक्टिंग है तो प्योरली रिफ्लेक्टिंग. इसने रिफ्लेक्ट कर दिया. दिस इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आके टकराई, पलट के वापस चली गई सेम मोमेंटम से. बेटा व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम हियर? व्हाट इज द डेल्टा पी? इनिशियल मोमेंटम देखो इस तरफ है, फाइनल इस तरफ है. बेटा ये पॉजिटिव, वो नेगेटिव हो जाएगा. पी फाइनल माइनस माइनस पी. सो डेल्टा पी कितना होगा बेटा? 2p. कि जीरो? कोई जीरो तो नहीं सोच रहा है? चेंज इन मोमेंटम 2p होगा ना बेटा. मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ये बेटा पॉजिटिव है, ये नेगेटिव. तो पी माइनस माइनस पी 2p. ठीक है, हमसे क्या बोल रहा है? चेंज इन मोमेंटम. चेंज इन मोमेंटम बेटा 2p हो गया. एंड फोर्स एक्सर्टेड. बेटा फोर्स क्या होगी? चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम. चेंज इन मोमेंटम कितना है बेटा? 2p अपॉन चेंज इन टाइम. बेटा p को हम लोग क्या बोल सकते हैं? एनर्जी बाय c बोल सकते हैं. ये हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ज्यादा याद नहीं रखना, बस इतना याद रखो रिफ्लेक्टिंग में जितना गया लड़के उतना आया. बस सब याद रहेगा, जितना गया लड़के उतना. तो चेंज इन मोमेंटम 2p. फोर्स एक्सर्टेड क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम. इसमें कुछ नया है? कुछ बस ये याद रखो यार, रिफ्लेक्टिंग में जितना लड़ा उतना वापस. 100% रिफ्लेक्टिंग, प्योरली रिफ्लेक्टिंग. पी पी. चेंज इन मोमेंटम 2p. फोर्स एक्सर्टेड डेल्टा पी बाई डेल्टा टी. डेल्टा पी हो गया 2p बाई 2t डेल्टा टी. और पी क्या होता है? ई बाई सी. तो ये हो गया 2e बाई सी अपॉन डेल्टा टी. क्लियर. चलो यहां तक बात समझ में आ गई. इसके बाद बात कर लेते हैं बेटा नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस. नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस बेटा ऐसा कुछ अनइवन सा सरफेस है, नॉन रिफ्लेक्टिंग है. यह आके इससे लड़ी, पलट कर कुछ वापस ही नहीं गया. नॉन रिफ्लेक्टिंग, इससे कुछ रिफ्लेक्ट ही नहीं हुआ. चेंज इन मोमेंटम बेटा बाहर जीरो गया, अंदर पी. जीरो माइनस माइनस पी. डेल्टा पी इज इक्वल्स टू पी ओनली. बेटा इस बार फोर्स एक्सर्टेड क्या हो जाएगी? डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी. डेल्टा पी किसके बराबर? पी के अपॉन डेल्टा टी. बेटा पी क्या हो जाएगा? ई बाई सी
अपॉन डेल्टा टी, क्लियर? तो नॉन रिफ्लेक्टिंग बेटा कुछ पलट कर वापस नहीं आया, तो चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर हो गया? नॉन रिफ्लेक्टिंग में बेटा कुछ पलट कर वापस नहीं आया, तो चेंज इन मोमेंटम पी, इधर तो जीरो, जीरो माइनस माइनस पी, है ना बेटा? फाइनल कितना है? जीरो। फाइनल कितना है? जीरो माइनस माइनस पी हो गया पी। क्लियर? क्लियर? सवाल 2015 बताएं बच्चों। बताएं अ रेडिएशन ऑफ एनर्जी ई फॉल्स नॉर्मली ऑन अ परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, द मोमेंटम ट्रांसफर टू द सरफेस इज, तो बेटा पी पी डेल्टा पी इज इक्वल्स टू टू पी, टू पी इज इक्वल्स टू टू टाइम्स ऑफ ई बाई सी, द मोमेंटम ट्रांसफर टू द सरफेस, क्लियर? टू ई बाई सी, क्लियर? टू ई बाई सी। नेक्स्ट, ये सब छोड़ के जाते थे ना, इस बार छोड़ के ना जाना ये सब भाई। नेक्स्ट 2014, कितने लोग ने तो ये सब टॉपिक छोड़ ही रखा होगा, पढ़ा ही नहीं सर, कोचिंग में पढ़ाया ही नहीं गया था ऐसा भी कुछ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, ये तो सर पढ़ा ही नहीं, ये सब क्या है सर, मोमेंटम पॉइंटिंग वेक्टर ये सब कहाँ है सर, हैं? चलो, लाइट विद एनर्जी फ्लक्स, बेटा क्या दिया है? एनर्जी फ्लक्स दिया है, मतलब कि एस की वैल्यू दे दी, ओए होए होए होए, लाइट विद एनर्जी फ्लक्स बेटा एस की वैल्यू दे दी ऑफ 25×10⁴ वाट पर मीटर स्क्वायर, वाट पर मीटर स्क्वायर इंटेंसिटी की वैल्यू है या एस की वैल्यू है? फॉल्स ऑन अ परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, फॉल्स ऑन अ परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, आय हाय 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 हाय, फॉल्स ऑन अ परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट नॉर्मल इंसिडेंस, इफ द सरफेस एरिया इज 15 cm², द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द सरफेस इज, बेटा क्या है? परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है, पी आया पी गया, है कि नहीं परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग? चेंज इन मोमेंटम बेटा 2p, क्या मांगा है बेटा? फोर्स एक्सर्टेड, फोर्स मांगा है, ओके, एफ इज इक्वल्स टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, मेरा डेल्टा पी क्या होगा? 2p अपॉन डेल्टा टी, अच्छा बेटा पी क्या होता है? ई बाई सी, अच्छा अब बेटा ई ही नहीं पता इस बार तो एस पता है, एनर्जी फ्लक्स, आई भी बोल सकते हैं भाई, एस और आई की वैल्यू तो सेम है, एस बोलो या आई बोलो, एनर्जी फ्लक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स, ओके बेटा व्हाट इज आई? यू अपॉन ए इनटू टी, बेटा व्हाट इज यू? यू इज एनर्जी ना, तो बेटा एनर्जी क्या होगी? आई इंटू ए इंटू टी, एनर्जी क्या होगी? आई इंटू ए इंटू टी, एफ इज इक्वल्स टू मेरे पास आया है 2p अपॉन डेल्टा टी, पी की जगह मैंने बोला ई बटे सी अपॉन डेल्टा टी, अब मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं बेटा इंटेंसिटी क्या होती है? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एनर्जी मतलब ई पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, बेटा यहां से ई की वैल्यू क्या हो गई? आई इंटू ए इंटू टी, नीचे डेल्टा टी को भी अपन टी लिख सकते हैं, टाइम पीरियड, टी से टी मर गया बेटा, खत्म, आंसर निकाल दो। अब 2 इंटेंसिटी, इंटेंसिटी कितनी है? 25×10⁴ इंटू एरिया, एरिया कितना है बेटा? 15 cm², यानी 15×10⁻⁴ है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर है,
15 × 10⁻⁴ / c बेटा, c क्या हो जाएगा 3 × 10⁸, खत्म बेटा। 10⁴ - 4 कैंसिल, f की वैल्यू कितनी आ गई 2 × 25, ये हो गया 50, 3 × 5 = 15, 50 × 3 × 5 = 15 × 10⁻⁸, तो ये हो गया, कुछ रह गया क्या, 2 × 50, 3 × 5 = 15, 50 × 5 होगा, 5 × 5 = 25, 250 × 10⁻⁸, बेटा पॉइंट यहां लगाते हैं, F = 2.5 × 10⁻⁶ न्यूटन, 2.5 × 10⁻⁶ न्यूटन, बोलो आया, बोलो आया। सर व्हेन यू आर मैरिज, बेटा व्हेन यू इंप्रूव योर इंग्लिश देन आई मैरिज। बेटा ई नहीं दिया, एस दे दिया, क्या ही दिक्कत है यार, इतना ही तो इस सवाल में इधर उधर किया, बस इतना ही इधर उधर किया कि आपको ई नहीं गिवन था, आपको एस गिवन था, तो आपको पता है बेटा एस की वैल्यू क्या होगी, ई अपॉन ए इंटू टी, खत्म, ई निकाल लो एस इंटू ए इंटू टी से, क्लियर। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, चलो भाई थ्योरी स्टार्ट हो गई, आ जाओ। The electromagnetic waves are produced by accelerated charge. अब जब स्पीड में करें इसको, JMD बोलो तो स्पीड में करें, सब पढ़ा हुआ निकलेगा, अब जल्दी से अपन समराइज करेंगे एक्चुअली, उसके बाद थोड़ा बहुत और पढ़ेंगे, पर इसको जल्दी से और समराइज करें, करें। आर यू रेडी गाइज, गाइज शुड आई समराइज, आर यू रेडी JMD, चलो। Electromagnetic waves are produced by isolated charges and do not require any material medium for their propagation. Clear? Clear. Next. The direction of oscillations of electric and magnetic fields are perpendicular to each other as well as perpendicular direction of propagation of waves. So the electromagnetic waves are transverse in nature. Clear? Clear. The oscillation of E and B fields are in same phase. Oscillation kis mein hota hai? Same phase mein. Dono apna maxima, minima saath mein pahunchte hain. The direction of oscillation of E and B fields are perpendicular to each other. सभी को पता है, as well as perpendicular to the direction of wave propagation. Next, all electromagnetic waves travels in free space with the same speed c is equals to 1/√μ0ε0. सभी electromagnetic wave air या free space में किस speed से चलते हैं? C की speed से, where c is equals to 1/√μ0ε0. Clear है? पिछले पेज की तो सारी कहानी clear होगी. बेटा direction क्या होता है? V का डायरेक्शन क्या से निकलते हैं? E क्रॉस B से, क्लियर है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ऑसिलेट की, मैग्नेटिक फील्ड इधर ऑसिलेट की और वेव का प्रोपोगेशन इधर हुआ और डायरेक्शन ऑफ ए V क्रॉस B. नेक्स्ट बेटा, इन मटेरियल मीडियम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल विद अ स्पीड V इज इक्वल्स टू सी अपॉन म्यू आर ई आर, V इज इक्वल्स टू सी अपॉन अंडर रूट म्यू आर इंटू ई आर, सी बाई एन, म्यू आर इंटू ई आर, क्लियर। नेक्स्ट, वेयर एन इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अच्छा ये थोड़ा सा गलत लग रहा है मुझको एक्चुअली, वी बाई सी, अच्छा हाँ सही तो है, यहां से देखो बेटा इसको ऐसे लिख सकते हो, वी बाई सी इज इक्वल्स टू 1/√μr/ER, बेटा वी बाई सी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो यहां से देखो V इज इक्वल्स टू C बाई एन भी बोल सकते हैं, क्लियर, ध्यान से देख लो यहां समझ में आएगा बेटा, C को नीचे ले आओ, V बाई C क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, बेटा ये क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम एन, तो बेटा V इज इक्वल्स टू V by C, 1/√μr/ER is equals to N. ठीक है,
अच्छा उल्टा हो गया ना, हाँ वही मैं सोच रहा हूँ, वन बाई एन है ना, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? एन इज इक्वल स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन ये है ना सी बाई वी, वही मैं सोच रहा हूँ क्या गलत हो रहा है। तो सी बाई वी की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी? अंडर रूट म्यू आर ई आर है ना, तो म्यू आर ई आर की जगह आप एन भी रख सकते हो, तो सी बाई एन। अब क्लियर है? नहीं, एनसी गलत हो जाता वो, अब सही हुआ ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। गलत लिख रहा था मैं, इस वजह से ऐसा आया। अब ठीक, बिल्कुल, थैंक यू बेटा, थैंक यू। वेट अ सेकंड, हाँ अब सही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो C बाई वी बेटा, C बाई वी क्या होगा? म्यू आर इंटू ई आर, इसी को N बोला है, इसीलिए यहां पे क्या लिख दिया है? N लिख दिया है। क्लियर? ठीक है, तो आप बोल सकते हो N इज इक्वल टू अंडर रूट नेक्स्ट द एम्पलीट्यूड रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज ई नॉट बाई बी नॉट इज इक्वल टू सी। तो बेटा इसमें वैक्यूम या एयर में क्या रेशियो था? वैक्यूम या एयर या फ्री स्पेस में क्या रेशियो था? ई नॉट बाई बी नॉट इज इक्वल टू सी। और किसी और मीडियम में बेटा क्या था? किसी और मीडियम में क्या था? ई नॉट बाई बी नॉट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन दैट मीडियम। क्लियर? फिर क्या है? The electromagnetic waves carry energy as they travel through space and this energy is shared equally by electric and magnetic field. The average energy density of an electromagnetic wave is, बेटा एनर्जी की बात कर रहे हैं कि एनर्जी की कहानी हम लोगों को क्लियर है कि इक्वली शेयर होती है, राइट? एनर्जी एवरेज, एनर्जी डेंसिटी, व्हाट इज दिस? एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितनी होती है? 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर। और बेटा इसी तरह से हम लोग ने एनर्जी डेंसिटी पढ़ी मैग्नेटिक फील्ड की एवरेज, जल्दी से बेटा जेएमडी कितनी थी? 1/4 बी नॉट का स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। उसके बाद बेटा हम लोग ने पढ़ी थी टोटल एनर्जी, बेटा टोटल एनर्जी क्या होती है? 2 times ऑफ यूई भी ले सकते हैं या 2 times ऑफ यूबी भी ले सकते हैं, क्योंकि यूई और यूबी क्या होते हैं बेटा? बराबर होते हैं। बोलो सभी को क्लियर है? इतनी बात याद है? जेएमडी बोल भाई, जेएमडी बोल भाई, इतना सा हम लोग पढ़ चुके हैं। यूई इज इक्वल टू यूबी, टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी? यूई प्लस यूबी। तो अपन क्या बोल देंगे? 2 times ऑफ यूई या 2 times ऑफ यूबी। ये पढ़ा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसपोर्ट लीनियर मोमेंटम एज दे ट्रेवल थ्रू स्पेस, पी इज इक्वल टू यू बाई सी, यू बाई सी मतलब एनर्जी बाई सी। ये पढ़ चुके हैं आप लोग। हमने पढ़ा मोमेंटम क्या होता है बेटा? एच बाई लैमडा होता है। और हमने क्या पढ़ा? एनर्जी क्या होती है बेटा? एनर्जी होती है एच सी बाई लैमडा। शॉर्टकट में हम लोग पढ़ा 1240 अपॉन लैमडा किसमें? इन नैनोमीटर्स। और एनर्जी किसमें आएगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। और बेटा हम लोग ने क्या पढ़ा? पी इज इक्वल्स टू ई बटे सी। बोलो यही सब पढ़ा था? पी इज इक्वल्स टू एच बाई लैमडा, राइट? ये खटाक से हम लोग तेजी से सब रिवाइज कर रहे हैं, ये अपन तेजी से पूरा रिवाइज कर रहे हैं। P is equals to H by lambda, E is equals to HC by lambda, HC की जगह 1240 upon lambda in nanometer, P is equals to E by C. Electromagnetic waves obeys the principle of superposition, they show the properties of reflection, refraction, interference, diffraction and polarization. तो इसके बारे में तो आगे आप बात करोगे ray optics and wave optics में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ओबे द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, दे शो द प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस। तो इसके बारे में बेटा बात करेंगे आप लोग बेसिकली वेव ऑप्टिक्स के अंदर, ठीक है?
नेक्स्ट. द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ऑप्टिकल इफेक्ट बिकॉज, बेटा कई बार आपने देखा होगा कि जो ऑप्टिकल इफेक्ट होते हैं लाइट के, नहीं पढ़ते हम लोग अनपोलराइज लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट, उसमें हम लोग बात करते हैं सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन की. अनपोलराइज लाइट इज सच अ लाइट इन विच द इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट्स इन ऑल डायरेक्शंस परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव. प्लेन पोलराइज लाइट इज अ लाइट इन विच द इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट्स ओनली इन वन प्लेन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन. व्हाई ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाई वी डोंट अबाउट टॉक अबाउट मैग्नेटिक फील्ड. बात समझे, जब लोग ऑप्टिकल इफेक्ट की बात करते हैं लाइट की, आपने वहां पढ़ा होगा कायरल कार्बन पढ़ते वक्त आइसोमेरिज्म के अंदर, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, या पोलराइजेशन में पढ़ा होगा क्लास 12th में, है ना. तो हम लोग हमेशा लाइट के इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करते हैं. प्लेन पोलराइज लाइट, अ लाइट इन विच द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओनली इन द वन डायरेक्शन, ओनली इन वन प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. तो मैग्नेटिक फील्ड की बात क्यों नहीं कर रहे, बात समझे क्या बोल रहा हूं मैं. अनपोलराइज लाइट इन विच द वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट इन ऑल द प्लेन्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन. सो व्हाई डोंट वी टॉक अबाउट बी नॉट, अपन बी नॉट की बात क्यों नहीं कर रहे, सवाल ये है. क्योंकि बेटा ई नॉट का मैग्नीट्यूड बी नॉट से बहुत ज्यादा होता है. जरा ध्यान से देखो, ई नॉट बटे बी नॉट इज इक्वल्स टू सी. और बेटा सी तो बहुत बड़ी वैल्यू है, इसका मतलब ई नॉट, इसीलिए बेटा इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात होती है, मैग्नेटिक फील्ड बहुत छोटा होता है. इसका रेशियो देख लो कितना बड़ा है, 3 × 10⁸, यानी ई नॉट बी नॉट से कितने गुना बड़ा है, 3 × 10⁸ गुना बड़ा है. क्लियर, एक सेकेंड. हाँ भाई, ई नॉट क्या होगा, मच मच ग्रेटर देन बी नॉट होगा. क्लियर हो गई बात, क्यों होगा भैया, रेशियो बहुत ज्यादा है, सभी को क्लियर है. नाम तो नहीं लूंगा तेरा मैं, बिल्कुल भी नहीं. क्लियर है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेट, अब बेटा रैप अप करना खत्म, आखिरी 30 मिनट, सभी लोग JMD बोलेंगे जोर से और लेक्चर को रैप अप करेंगे. चलो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, बेटा ये तो आप बचपन से पढ़ते आए हो, हॉस्पिटल में पैदा होते हैं सबसे पहले खिड़की से बाहर क्या देखा था आपने, प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेनबो देखा होगा, कलर का ऑर्डर भी समझ गए होंगे, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी, नहीं बाद में समझे कोई बात नहीं, रेनबो तो देखा ही होगा. द ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन अकॉर्डेंस विद देयर वेव लेंथ और द फ्रीक्वेंसी इन टू डिस्टिंक्ट ग्रुप्स हैविंग वाइडली डिफरिंग प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. बेटा कुछ नहीं होता है स्पेक्ट्रम, वेव लेंथ या फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एक चार्ट में रख दिया, कुछ कुछ वेव्स जो पास पास थी, जिनकी वेवलेंथ पास थी उसको एक ग्रुप बोल दिया, जिनकी वेवलेंथ पास थी उनको एक ग्रुप बोल दिया, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोल दिया. समझे, अपन स्कूल में जाते हैं, स्कूल में बहुत से दोस्त होते हैं, है ना, बहुत लड़के होते हैं, फिर हम लोग नाम दे देते हैं, है ना, वो किसका ग्रुप है, वो राहिला का ग्रुप है, वो किसका ग्रुप है, वो अर्जुन का ग्रुप है, वो किसका ग्रुप है, अलग अलग नाम किस बेसिस पे. अब अर्जुन के ग्रुप के जो लड़के हैं वो क्या करते हैं, इंटरवल में वो खाना चुराते हैं, तो उनका नाम अलग है, हाँ वो चोर आएगा खाना चुरा. राय ग्रुप की जो लड़कियां वो भैया एकदम मेकअप करके आती हैं स्कूल में एकदम बढ़िया, है ना, उनको टाइम मिला तो वॉशरूम जाके बढ़िया. तो अपन ग्रुपिज्म कर देते हैं, क्या उन सबकी बनावट में कोई फर्क है, सब एक जैसे, वही एक नाक दो आंख, एक मुंह दो कान, बहुत रिजेंबल करते हैं. अगर आप देखो, कहा जाता है एक इंसान दूसरे इंसान सिमिलर नहीं, कितना रिजेंबल करते हैं ना हम लोग, क्योंकि एक ही स्पीशी है इसलिए इसीलिए करते हैं. तो ग्रुपिज्म की गई सेम चीजों में, तो यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर है सारी वेव्स, ये सारी वेव यही है, पर उनके अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप बना दिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेवलेंथ, है ना. जो बहुत छोटी 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 वेवलेंथ वाली थी उनको क्या बोला, हमने बोला तुम गामा रेज में जाओ यार, बहुत छोटी वेवलेंथ है, बहुत हाई एनर्जी है, E इज इक्वल्स टू, बोल बेटा खत्म पे बेटा लेक्चर, HC बाय लैम्डा, बहुत छोटी वेवलेंथ, बहुत ज्यादा एनर्जी, बहुत एनर्जी है, तुम सबको गामा बोलेंगे.
इस तरह से डिस्टिंक्ट ग्रुप बना दिया। क्या देखने में गामा रेस यूवी रेस से अलग है? क्या दिखने में गामा रेस और यूवी रेस अलग अलग होंगी? क्या दिखने में एक इंसान दूसरे इंसान से डिफरेंट होता है? हाँ, थोड़ा बहुत होता है। मतलब क्या, ये बताओ एलियन ऊपर से आया तो वो पहचान पाएगा कि ये अलग मांडे हैं, ये वर्तिका है? जैसे क्वेश्चन पूछा था यकीन में, उनको ऐसा सब एक जैसे हैं। तुम समझ पाते हो क्या शेर चीता देख के? समझ पाते हो? एक स्पीशी है ना, इंसान कंफ्यूज हो जाता है, अच्छा ये भी चीता, ये भी शेर, ये भी चीता। तो सभी ने बोला कि दिखने में गामा रेज और यूवी रेज में कोई फर्क नहीं होगा, और तुम सब बेवकूफ बन गए बेटा। गामा और यूवी तो इनविजिबल पार्ट है, तो देखोगे कैसे? तुम लोग को जिधर चाहो उधर भटकाया जा सकता है बेटा। गामा और यूवी तो इनविजिबल पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम में है, तो देखोगे कैसे? कहानी के अंदर ले जाके तुम लोग कहीं भी छोड़ा जा सकता है। चलो बेटा, EMW वर्सेस वेवलेंथ आ जाओ। तो अपने पास भैया टॉप प्रायोरिटी में अपन इसमें चल रहे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में, ठीक है? तो सबसे पहले अपने पास है गामा रेस, सारी की सारी गामा कुली की गति चले। इसके बाद आती है एक्स रेस, इसके बाद आती है यूवी रेस, इसके बाद आती है विब्योर, विजिबल लाइट जिसको आप बोलते हो, विजिबल, या इसी को आप विब्योर भी बोलते हो। इसके बाद बेटा आती है इंफ्रारेड रेस, हीट वेव्स भी कहते हैं इसको बेटा। इसके बाद बेटा इंफ्रारेड के बाद माइक्रोवेव्स, MW। इसके बाद बेटा रेडियो वेव्स, RW। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ है। वेवलेंथ की बात करें तो NCERT हम लोग से बोलती है कि भैया नैनोमीटर में बात करो, एंगस्ट्रॉन्ग में, जबकि एक ट्रेंड चला है, अगर आप देखो कन्वेंशनली एंगस्ट्रॉन्ग होता है, बट NCERT हो गया, NTA हो गया, है ना? हमसे NTA NCERT क्या बोलती है कि भैया बच्चों को नैनोमीटर बताओ, तो नैनोमीटर बताते हैं। चलो ये याद करना है बेटा, गामा रेज लेस देन 10^-3 नैनोमीटर, एक्स रेज बेटा 10^-3 नैनोमीटर से लेके 1 नैनोमीटर, यूवी रेज बेटा 1 नैनोमीटर से लेके 400 नैनोमीटर। ये याद करना है बेटा, डेटा है सिंपल। विजिबल रेज विब्योर की बात करें 400 नैनोमीटर से लेके करीब करीब 700 नैनोमीटर। इसमें डिफरेंट किताबों का डेटा थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, जो NCERT का डेटा है हम लोग वही लेके चल रहे हैं, कई किताबों में यह 800 भी देता है, ठीक है? और बेटा विब्योर में भी कहानी अंदर सुनो, वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड, तो बेटा इस ऑर्डर में वेवलेंथ बढ़ रही है, क्लियर? वायलेट की होती है 400 और रेड की अप्रोक्सीमेटली 700। इसके बाद बेटा इंफ्रारेड पे आ गए हम लोग, 700 नैनोमीटर से लेके अप्रोक्सीमेटली 1 मिलीमीटर तक। इसके बाद आ गए माइक्रोवेव्स, 1 मिलीमीटर से लेके 0.1 मीटर तक। इसके बाद आ गए रेडियो वेव, ग्रेटर देन 0.1 मीटर। यू हैव टू लर्न दिस इंटायर स्पेक्ट्रम, देयर इज नो अदर ऑप्शन। सर नहीं याद करें तो चलेगा? अभी दिखाता हूं नीट में आया हुआ सवाल, सॉल्व करके पहचानने को बोला था कि कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वेवलेंथ से पहचान में आता है। सर अब खत्म करो, बस बेटा खत्म पे तो है। तो बेटा ये वेवलेंथ रेंज है जो आपको याद ही करनी है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। लेस देन 10^-3 नैनोमीटर, 10^-3 से 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर, 400 से 700 नैनोमीटर, 700 से 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर से 0.1 मीटर, ग्रेटर देन 0.1। और इसके अंदर ये भी याद रखना विब्योर में कि इस तरह से वेवलेंथ बढ़ती है, वायलेट की सबसे छोटी, रेड की सबसे बड़ी। अगर अपने स्पेक्ट्रम की बात करें बेटा, तो नीचे आते वक्त वेवलेंथ इंक्रीज कर रही है, नीचे आते वक्त वेवलेंथ इंक्रीज कर रही है। बेटा आपको पता होगा वेवलेंथ इज इक्वल्स टू सी बाई एफ, सी तो कांस्टेंट है बेटा, सभी की स्पीड क्या है, सी। ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल्स विद स्पीड ऑफ लाइट, सी। सबकी सी तो कांस्टेंट है बेटा, लैम्डा बढ़ रहा है, जाहिर सी बात है लैम्डा अगर बढ़ रहा है नीचे आते वक्त तो फ्रीक्वेंसी घटेगी बेटा, फ्रीक्वेंसी घटेगी। बेटा अगर एनर्जी की बात करें is equals to hc by lambda, नीचे आते वक्त lambda बढ़ रहा है तो एनर्जी भी घटेगी। तो बेटा मोस्ट एनर्जेटिक गामा होती है और लीस्ट एनर्जेटिक आपकी यहां पे रेडियो वेव होती है। बहुत बढ़िया भाई, क्लियर है यहां तक? क्लियर? नीचे आते वक्त वेवलेंथ बढ़ रही है,
फ्रीक्वेंसी घट रही है और फ्रीक्वेंसी घटेगी तो एनर्जी घटेगी भाई, इज इक्वल्स टू एचएफ भी तो होता है। क्लियर सभी को? आओ इसके खटाखट खटाखट सवाल लगाएं, आ जाओ खटाखट खटाखट सवाल लगाएं। वेवलेंथ नेस थोड़ा सा दिमाग में डाल लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अपने मोबाइल की स्क्रीन पे लगा लें, लिख के बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मोबाइल की स्क्रीन पे कुछ दिन लगा लें याद हो जाएगा, घर पे चिपका लें याद हो जाएगा। लेस देन 10 की पावर माइनस 3 नैनोमीटर, 10 की पावर माइनस 3 से 1 नैनोमीटर, 1 से 400, 400 से 700, 700 से 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर से 0.1 मीटर, 0.1 मीटर से एंड अबव। क्लियर? चलो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये तो पढ़ चुके अपन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इक्वल्स टू एचएफ लिख सकते हैं, दूसरा क्या है E is equals to HC by lambda लिख सकते हैं, तीसरा मैंने Mentor's method बताया था E is equals to 1240 upon lambda in nanometer, और energy किस में आती है? Electron volt में। याद है सभी को? बहुत बढ़िया। एक और था बेटा momentum के साथ वाला relation, वो भी देख लेते हैं। P is equals to E by C। Next, चलो बेटा खटखट उड़ाते हैं। 2019 Which color of the light has the longest wavelength? बताएं बच्चों, Which color of the light has longest wavelength? बेटा इसकी कितनी 400, इसकी कितनी 700, Which color of the light has longest wavelength? इतना हलवा सवाल पूछ रहा है 2019 में बेटा, सीधा सीधा आंसर रेट, आगे भाग जाए। सी बोल भाई, सी बोल, सी बोल, सी बोल, सी बोल भाई, सी बोल, जीएमडी बोल। चल भाई आगे, 2011 क्या है? The decreasing order of wavelength of infrared, microwave, ultraviolet and gamma rays. क्या पूछा है? Decreasing order. Decreasing order of wavelength. किसका? Infra, micro, ultra and gamma. तो बेटा अपना क्या था? सबसे ऊपर gamma. इसके बाद क्या था? X-rays तो है नहीं इसमें. Gamma rays, X-rays, UV rays. Gamma rays, X-rays, UV rays. और कौन है इसमें? फिर visible infrared. फिर microwave. तो ये order हुआ. बेटा ये क्या है? वेवलेंथ इस तरफ इंक्रीज कर रही है, तो हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। सबसे पहले माइक्रो, फिर इंफ्रा, फिर यूवी, फिर गामा। सबसे पहले माइक्रो, फिर इंफ्रा, फिर यूवी, फिर गामा। ऑप्शन ए सभी का आ गया बेटा। ये डिक्रीज, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। पूछा क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर, अपनी वेवलेंथ नीचे की तरफ बढ़ रही है ना, डिक्रीजिंग में बताना है। सबसे ज्यादा वेवलेंथ इसकी हुई ना। क्लियर? का है भैया, का है भी बेटा, ये आप ना बेटा, ये आप इंक्रीजिंग ऑर्डर बता रहे हो, दिस इज रॉन्ग, गलत हो जाएगा। बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते जल्दी से। नेक्स्ट बेटा 2005, चलो भाई जेएमडी बोल, आगे बढ़। हलवा हलवा सवाल है सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। इफ लैम्डा वी, लैम्डा एक्स एंड लैम्डा रिप्रेजेंट द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। बेटा किसी सी बात हुई है? विजिबल एक्सरेज, माइक्रोवेव्स। तो बेटा एक्स सबसे ऊपर रख लेते हैं एक्सरेज, इसके बाद विजिबल आता है और इसके बाद माइक्रोवेव आता है, ठीक है। एक्सरेज की कितनी दी है? लैम्डा वी रिप्रेजेंट दी वेवलेंथ ऑफ विजिबल, लैम्डा एक्स रिप्रेजेंट दी वेवलेंथ ऑफ एक्स, लैम्डा एम रिप्रेजेंट्स। तो बेटा वेवलेंथ क्या होगी? सबसे ज्यादा माइक्रोवेव्स की, फिर विजिबल की, फिर इसकी। लैम्डा एम ग्रेटर देन लैम्डा वी ग्रेटर देन लैम्डा एक्स। सी 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 सी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। 2000 द फ्रीक्वेंसी ऑर्डर फॉर गामा रेज, एक्स रेज एंड यूवी रेज। बेटा गामा, एक्स, यूवी, क्या है बेटा? गामा को बोला है बी, एक्स रे को बोला है ए, यूवी को बोला है सी। बेटा नीचे जाते वक्त क्या होती है? वेवलेंथ इंक्रीज करती है, तो जाहिर सी बात है फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगी। तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बी की, फिर ए की, फिर सी की। बी इज ग्रेटर देन ए इज ग्रेटर देन सी, बोला आ गया। नीचे आते वक्त बेटा सबसे पहले गामा, फिर एक्स रे, फिर यूवी, है ना, फिर विब्योर। नीचे आते बेटा क्या होगी? वेवलेंथ बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी घटेगी, तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा इसकी, बी इज ग्रेटर देन ए इज ग्रेटर देन सी। नेक्स्ट 2003
विच ऑफ द फॉलोइंग रेज आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसमें से कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है? एक्सरे होती है, गामा रे होती है, हीट रेज बेटा इंफ्रारेड को बोलते हैं, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, बीटा रेज नहीं होती बेटा, तो एक्चुअल आंसर क्या हो जाएगा? बीटा रेज, राइट? बीटा रेज थोड़ी ना ईएमडब्ल्यू होती है, क्लियर? नेक्स्ट रीटेस्ट 2015 क्या है? द एनर्जी ऑफ ईएमडब्ल्यू वेव, एनर्जी बताइए बेटा ईएमडब्ल्यू वेव की, एनर्जी ऑफ ईएमडब्ल्यू वेव इज 15 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो बेटा एनर्जी कितनी हो गई? 15 × 10³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। टू विच पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम डज इट बिलोंग, बताएं बच्चों, टू विच पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम डज इट बिलोंग, यही तो एक ठीक ठाक क्वेश्चन था, बता दें, एक ढंग का क्वेश्चन यही था, एक ढंग का क्वेश्चन यही है कि किस पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम क्या है ये? बेटा कैसे निकाले अपन, वेवलेंथ मिल जाए तो काम बन जाएगा, E इज इक्वल्स टू 1240 अपॉन लेमडा इन नैनोमीटर, राइट? E कितना है? 15 × 10³ इज इक्वल्स टू 1240। और बेटा ध्यान दो, ये जो अपने फॉर्मूला पकड़ा है शॉर्टकट वाला, इसके अंदर E किस में रखते थे हमेशा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, शॉर्टकट नहीं बेटा, हमेशा लगता है ये, है ना, अप्रॉक्स वैल्यू है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखी है तो खत्म, कौन एच की वैल्यू रखे, कौन सी की वैल्यू, तो 15000 इज इक्वल्स टू 1240 अपॉन लेमडा इन नैनोमीटर आ जाएगा बेटा, जीरो से जीरो मर गया, लेमडा इज इक्वल्स टू 124 अपॉन 1500। अब बेटा 124 से तो मैं काट नहीं पाऊंगा, तो मैं अप्रोक्सीमेशन कर लेता हूं, थोड़ा 120 कर लेता हूं अपॉन 1500, बेटर लगेगा, जीरो जीरो मर गया, थ्री से कटेगा, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, 0, 4/50, बेटा इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो ऊपर हो गया 8, नीचे हो गया 100, तो बेटा कितना हो गया? 0.08 नैनोमीटर, 0.08 नैनोमीटर, है ना, अप्रोक्स कर लिया ना, कौन 124 काटेगा, 120 कर लिया, 0, 0 कटा, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो, 8/100, 0.08 नैनोमीटर, मतलब बेटा ये कितना आ रही है वेवलेंथ? 8 × 10⁻²⁻ नैनोमीटर, बेटा ये 10⁻³ से बड़ी है और 1 नैनोमीटर से छोटी है, कहां पे जा रही है बेटा? एक्स रेज में जा रही है, वरना गामा में जाती, गामा होगा कि एक्स होगा बता भाई, 8 × 10⁻²⁻ आ रहा है ना कि -3 आ रहा है, देख लो जरा, 15000 10⁻²⁻ आ रहा है बेटा, है ना बेटा, दिस इज ग्रेटर देन 10⁻³, है ना, हमारा जो लेमडा है जरा ध्यान दें, आर लेमडा इज ग्रेटर देन 10⁻³ नैनोमीटर एंड इज लेस देन 1 नैनोमीटर, इसका मतलब ये कहां पे फॉल कर रहा है बेटा? एक्स रेज। Hi, I'm back. हाँ भाई, तो मैं क्या बोल रहा था कि क्लास के बाद आपको एक पीडीएफ डाउनलोड करना है पीडब्ल्यू के मोबाइल ऐप में, बैचर सेक्शन में जाके उम्मीद बैच पे क्लिक करके वहां पे बाय नाउ आएगा, उस पर क्लिक करेंगे, जीरो फी में एनरोल होकर वहां से एक पीडीएफ डाउनलोड करेंगे जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की यूजेस सोर्सेस ये सब मैंने लिखा है, काफी समराइज करके बनाया, अब इसको पढ़ाने कोई मतलब नहीं, बताऊंगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसे बनती है, इसकी यहां यूज होता है, ये प्रॉपर्टी है, इसको उस पीडीएफ से आप रीड कर लेना, है ना, इस पीडीएफ को डाउनलोड करके इसको अच्छे से रीड करना,
ठीक है। तो यहाँ पे मैं डिफरेंट वेव्स के बारे में बताऊंगा, इसकी रेंज क्या है, लेस देन 10^-3 nm, सोर्स क्या है, रेडियो एक्टिव डीके से आती है ना, गामा रे कहाँ से आता है, रेडियो एक्टिव डीके से आता है, फिर क्या है, यूजेस क्या है, ड्यू टू देयर हाई एनर्जी दे हैव स्ट्रॉन्ग पेनिट्रेटिंग पावर, हेंस आर यूज्ड टू किल कैंसरस सेल टू प्रिजर्व फूड स्टफ फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है। फिर एक्सरे के बारे में बात हुई, रेंज क्या है, 10^-3 nm एक्सरे ट्यूब में बनती है। मेडिकल डायग्नोसिस क्या है, बिकॉज एक्सरेज कैन पास थ्रू फ्लैश बट नॉट थ्रू बोन्स, है ना। और क्या है, इन द स्टडी ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, है ना, उल्टा क्यों चल रहा है, अल्ट्रावायलेट लाइट यूवी 1 nm से 400, तो बेटा ये सब यूजेस हैं, ये आप खुद से कर लोगे तो बताओ, कर लेंगे सभी लोग, है ना। तो ये सब चीजें आपको सेल्फ करनी है, इसके लिए एक पीडीएफ, एक तो यहां से भी पढ़ सकते हो, बट पीडीएफ में मैंने काफी डिटेल में चीज लिखी हुई है, ठीक है, वो मैंने अपने यकीन बैच में भी दी थी, आप लोग को भी दे रहे हैं सेम पीडीएफ, है ना। वेवलेंथ रेंज है, कहां से बनता है, ये सब और सवाल करते हैं, ये सब रीड कर लेना यार, लेट्स डू क्वेश्चन। चलो 2002 देखते हैं किसको किसको पता है, जनरल सवाल आए हुए हैं बड़े इस पे, है ना। अब इसमें क्या है, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, कितना पढ़ोगे अनंत है, तो चलो जनरल सवाल करते हैं, उसके बाद एक बार पीडीएफ रीड मान लेना जरूर से। व्हाट इज द कॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, बच्चों ग्रीन हाउस इफेक्ट किसकी वजह से होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट पता है ना, हीट वेव से होता है ना। हीट वेव कौन सी, अल्ट्रावायलेट है, एक्सरे है, इंफ्रारेड है, रेडियो वेव है, इंफ्रारेड, ठीक है। कई लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट में हमेशा अल्ट्रावायलेट, ओजोन लेयर डिप्लीशन है, वो अलग चीज है ना, किससे होती है, इंफ्रारेड रेज से होती है ना, हीट वेव से। आगे बढ़े, नेक्स्ट, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ओजोन लेयर इज, बेटा ये सबने पढ़ रखा है, ओजोन लेयर का काम क्या होता है, इट स्टॉप्स अल्ट्रावायलेट रेज, सबको पता है ओजोन लेयर का काम क्या है, बड़े जनरल सवाल आए हैं यहां से। पीडीएफ इज डैमेज, मैं चेक करवा लेता हूँ टीम से, चांसेस वैसे कम है जो आप बोल रहे हो बेटा उसके होने के, फिर भी आई विल चेक विथ माई टीम। डिड आई फॉरगेट टू टेल यू दैट उम्मीद के अंदर और भी सरप्राइजेज हैं, एक तो कल आ रही है उसके बाद भी एक सरप्राइज, ओ माई गॉड, इतनी सरप्राइज, सरप्राइज नहीं है मतलब एक अच्छी चीज है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, द स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड इज इन्वेस्टिगेटेड बाई यूजिंग, सॉलिड का स्ट्रक्चर बेटा किस रे से हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं, एक्स रेज यूज होती हैं, पता होगा ये, खुल तो रहा है मस्त, तुम्हारा ही नहीं खुल, अरे क्या बढ़िया पीडीएफ है, देखो इसमें सारी वेव्स का यूज वूज पूरा मस्त एकदम बना के दिया, इसको एक बार रीड कर लेना, याद तो कर नहीं पाओगे, देखो इसमें सारे सोर्सेज यूजेज ये सब दिया है ना, रेडियो वेव्स ये वो, तो इसको जरूर, इस पीडीएफ को जरूर एक बार देख लेना, ठीक है। आपको ये ऐप में ही मिलेगा, पीडब्ल्यू के मोबाइल ऐप में, ये देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पूरा पीडीएफ, राइट, सो डू गो थ्रू दिस पीडीएफ आल्सो। नेक्स्ट बेटा, 30th 2013 में आया हुआ क्या है, द कंडीशन अंडर विच अ माइक्रोवेव ओवन हीट्स अप अ फूड आइटम कंटेनिंग वाटर मॉलिक्यूल मोस्ट इफेक्टिवली, तो बेटा यहां पे क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है, इसको आपको हीट करना है मोस्ट इफेक्टिवली, तो कैसे हीट होगा, माइक्रोवेव्स आर हीट वेव्स सो ऑलवेज प्रोड्यूस हीट, बात तो सही है, इंफ्रारेड प्रोड्यूस हीटिंग इन अ माइक्रोवेव, तो गलत बात हो गई, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द, भाई माइक्रोवेव है तो माइक्रोवेव निकलेगी ना, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द माइक्रोवेव मस्ट मैच द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल, ये बेटा सबसे सही चीज है, अगर ये मैच कर जाए फ्रीक्वेंसी, है ना, तो फ्रीक्वेंसी मैच करने से क्या होगा बेटा, अगर फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगी तो रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस होगा तो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स बड़े बड़े एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेंगे, और इतने बड़े बड़े एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेंगे तो हीट हो जाएंगे, क्लियर। तो बेटा आपको क्या करना है अभी, व्हाट यू हैव टू डू, क्या करना है आपको, पीडीएफ डाउनलोड करके ये यूजेस वाली खेल खेल लेना है, बाकी जितना कॉन्सेप्चुअल था वो मैंने पढ़ा दिया, बहुत थियोरिटिकल है कि किस वेव को कहां यूज करते हैं, क्या इफेक्ट है ये वो, ठीक है, जो बेसिक क्वेश्चन थे वो भी करा लिया अपने आप कर लिया, बट पता नहीं यार क्या पता नीट में कोई अच्छा यूज एक साल पूछ ले, 45 में से एक सवाल क्यों खराब करना, जस्ट गो दैट थ्रू दैट पीडीएफ वंस एंड योर ऑल योर क्वेश्चंस विल बी क्लियर। बाकी जितना कॉन्सेप्चुअल था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, जो आप चीज सुनी नहीं होगी वो आप आज ने पढ़ी, पॉइंटिंग वेक्टर वगैरह पढ़ा आपने, ये पढ़ा कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे पढ़ने पे मोमेंटम ट्रांसफर क्या होता है, फोर्स एग्जर्टेड क्या होता है, मतलब ये बहुत कम जगह ये चीजें डिलीवर हो रही हैं। तो आई होप आपको आज क्लास में बहुत मजा आया होगा, इसके बाद आपका रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स कंटिन्यू होगा नेक्स्ट 6 से 7 टू
8 डेज के अंदर आपका फिजिक्स सिलेबस खत्म हो जाएगा और कल आपके पास उम्मीद तो हमने दे दी, अब आपको हौसले की जरूरत है। तो नीट टास्क फोर्स मिलेगी कल आपसे, कल होगा कुछ स्पेशल। इसके सिवा आई थिंक संडे को भी कुछ स्पेशल होने वाला है, बट वो ऐप पे होगा। तो बहुत कुछ स्पेशल होने वाला है, पीडब्ल्यू पूरा ट्राई कर रहा है कि बच्चों को अपना बेस्ट से बेस्ट दे। ओके, वी आर वर्किंग डे एंड नाइट, वी आर ब्रिंगिंग द बेस्ट फैकल्टीज एट द लोएस्ट कॉस्ट, द बेस्ट मटेरियल्स, डूइंग एवरीथिंग, एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ योर सपोर्ट। तो यहीं पे आज की क्लास करते हैं, पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।